to now. And in this particular session, we'll be having discussions on emotional intelligence. आपको भी मालूम है पहले सेशन में हमने रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में का एक टॉपिक सैम्पलिंग की चर्चा की थी, और आज अभी सेकंड टॉपिक में बात कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेके डील करता है, या फिर सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड इश्यूज आप बोल सकते हो. तो मुझे भी थोड़ा सा गियर चेंज करने में एक मिनट शायद लग सकता है कि ऑल ऑफिसर एकदम रिसर्च स्टैटिस्टिक्स से सॉफ्ट स्किल्स, सो काइंडली बेयर विथ मी. यहाँ से आगे लगभग 80 मिनट तक मैं बात करूंगा, और 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे. और मुझे मालूम है कि वो 10 मिनट हम लोग बोलते हैं, लास्ट टाइम भी पहले सेशन में भी हमने देखा कि 7 मिनट बोला था मैंने, पर वो एक्सटेंड होता ही है, और हम लोग एक 15-20 मिनट तक क्वेश्चन आंसर डील कर रहे थे. तो मैं सोचता हूँ कि 80 मिनट में बात करता हूँ, और बाकी फिर ओपन कर देंगे सेशन क्वेश्चन आंसर के लिए. इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके कुछ चर्चा करते हैं. देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर जरूर हूँ, और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड ही ये टॉपिक है. मेरे जो डोमेन्स है उसमें जैसे रिसर्च स्टैटिस्टिक्स मेरा कोर डोमेन है, और मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज करके काम कर रहा हूँ सिपेंद्रा कॉलेज के साथ पिछले 18 सालों से. और हमारे एमबीए स्टूडेंट्स का ग्रूमिंग और बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट, और बाकी भी बहुत सारे कॉलेजेस में मैं कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है वो भी लेता हूँ, कुछ कॉर्पोरेट के ट्रेनिंग भी मैंने लिए हैं, उसमें मैं ये टॉपिक पे बात करता हूँ. पर इसको मैं टेक्निकल सेंस में यानी साइकोलॉजिस्ट का एक व्यू पॉइंट होता है इस टॉपिक को देखने के लिए, उस पर्सपेक्टिव से नहीं जा रहे हम लोग, एक जस्ट जनरल अवेयरनेस और इसका एक इम्पोर्टेंस क्या है, और ये चीज सबको मालूम होना जरूरी लगता है मुझे, और ये क्या है बस एक थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ आपको 80 मिनट में कि ये टॉपिक क्या है, पर्सनालिटी के कौन से एस्पेक्ट को लेके डील करता है, और हमको ये क्यों मालूम होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में. बस मेरा जो चर्चे का मुद्दा है वो जस्ट एक अवेयरनेस कराना इस टॉपिक को लेके. इस फोकस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. ये मेरा पहला क्वेश्चन है आप सबको कि क्या आपने इमोशनल इंटेलिजेंस इसके ये टर्म के बारे में इससे पहले सुना है. मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ. यस नो कर दीजिए क्विकली, मैं आगे बढ़ता हूँ. आपने इमोशनल इंटेलिजेंस इस टॉपिक के बारे में कभी कहीं सुना है? जैसे मैम ने सुना हुआ है इसके बारे में. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट्स? यस, पराग सर का भी रिप्लाई आया है. यस, नो, ओके ओके, मिक्स रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैंने भी जब तीसरा दिन आया प्रदीप सर की तरफ से, वेल मैंने भी जब इस टॉपिक के बारे में पहली बार सुना तो आई गॉट इन फैंसी विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मुझे अच्छा लगा ये, और मुझे लगा कि यार ये डेवलप करने वाला टॉपिक है और इस पर लेक्चर्स ले सकते हैं, ऐसा मुझे एक थोड़ा सा फील आया था. बस थोड़ा सा मैं अवगत करा देता हूँ आपको, मैक्सिमम नो दिख रहे हैं तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. 1978 में एक घटना हुई थी, मैथमेटिशियन टेड करके थे, और ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन. और ये मैंने ये जो स्टोरी आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने ये एक किताब में पढ़ी हुई है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो ये एक जग विख्यात मैथमेटिशियन थे, और एक दिन न्यूज ऐसे आई कि टेड साहब जो है वो किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हो गए थे, मेरे ख्याल से ड्रग्स को लेके वगैरह कुछ ऐसे न्यूज थी वो, और हेडलाइन थी वो न्यूज़पेपर की. और फिर चर्चा होना शुरू हुआ कि यार ये इतना बड़ा विद्वान आदमी, इसको क्या सूझी कि ये ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हो, यानी क्या उसके पास, देखिए बुद्धि बुद्धिमत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, इंटेलिजेंस बिल्कुल था, पैसे होंगे क्योंकि वो पॉपुलर था, यानी अच्छा खासा रिकॉग्नाइज्ड मैथमेटिशियन था, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्या सूझा यार ये आदमी को कि जो ये ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हो गया. और शायद ये एक चर्चा का विषय होने की वजह से डायरेक्शन उसको ऐसे मिला कि इसमें कुछ तो भी कमतरता थी जिसकी वजह से उसकी सोच ऐसी हो गई, और वो जो चीज कमी थी शायद उसी को इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. मैं एक बेसिक प्रिमाइस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, और उस किताब में बड़ा इंटरेस्टिंगली ये सब नरेट भी किया हुआ है. देखिए डेनियल गोलमन साहब है, इन्होंने 90s में दो किताबें लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, और जो रियल क्रेडिट है
वो गोलमन साहब को जाता है, डेनियल गोलमन जैसे आप पढ़ रहे हो ये वाला नाम, और ये फेलो है वो जिसने इस पर्टिकुलर टर्म को पॉपुलराइज कर दिया। ऐसी बात नहीं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये टर्म अस्तित्व में नहीं थी, ये अस्तित्व में तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी तब से, वर्ल्ड वॉर 1 शायद 1914 के आसपास, उस वक्त ये पहली बार कुछ कॉइन हुई थी टर्म, तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस नाम नहीं था, दूसरी कुछ तो भी टर्म थी पर सिमिलर टर्म थी। यानी क्या ये चीजें अस्तित्व में तो है पर इसकी चर्चा होना और पॉपुलराइज होना, क्रेडिट गोज टू डेनियल गोलमन साहब। 1990s में गोलमन साहब ने किताब लिखी, अर्ली 1990s की बात है ये वाली किताब, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ये नाम से इन्होंने किताब लिखी, और ये इट इज इन द बेस्ट सेलर्स कैटेगरी यू कैन से, अच्छी खासी पॉपुलर हो गई, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में चली गई। और उसके बाद इन्होंने ये किताब लिखी जो सिक्वेल थी इस पर्टिकुलर किताब का, और आपको मालूम है सिक्वेल जनरली इतने नहीं चलते जितनी पहला एडिशन चलता है, पर मजे की बात तो ये थी कि इसका सिक्वेल जो था वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस ये ज्यादा पॉपुलर हुआ इससे, यानी ये तो पॉपुलर था ही, इसके जो भी रिकॉर्ड्स बने थे वो पूरे रिकॉर्ड ये किताब में तोड़ती है। और ऑल ऑफ ए सडन गोलमन साहब लाइमलाइट में आ गए और ये टर्म भी लाइमलाइट में आ गई, यानी लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि यार ये क्या नई चीज है। अभी देखिए ये जो है ये एक पर्टिकुलर किताब में, ये मैंने दोनों पढ़ी है, आई गॉट माई पर्सनल कॉपीज विथ मी, ये जो किताब है ये इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को क्लियर करती है, और ये जो है ये बात करती है इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस, कि आप जैसे हम लोग सब अकेडमिशियंस हैं, हम लोग जो कॉलेज में काम करते हैं इंस्टीट्यूशन में जिसको वर्क प्लेस हम लोग कहते हैं, वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, ये चर्चा का मुद्दा है इस पर्टिकुलर किताब में। ये छोटी किताब है कंपैरेटिवली, आप भी जैसे मैंने ये किताब तो 2 दिन में पढ़ डाली थी, यानी 2 सिटिंग में पढ़ी बोलिए ना, 2 दिन यानी पहले दिन एक सिटिंग और दूसरे दिन एक सिटिंग, तो 2 सिटिंग में मैंने ये पढ़ डाली थी, पर मुझे नहीं, मैंने पहले इसमें तो अटेम्प्ट में इतना नहीं भाई थी ये, पर बाद में जब रिपीटेटिवली पढ़ा तब मुझे समझा कि इनको कहना क्या है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा इंटरनेशनल है वगैरह, पर मुझे ये किताब सही में जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी। शायद मैं तब तक तैयार भी हो गया था, बाकी भी और कुछ पढ़ लिया था मैंने, उसके बाद मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे ये किताब बहुत बेहतरीन लगी। तो आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं टॉपिक में, मैं तो डिस्कशन कर ही रहा हूँ, पर आपको लगता है कि और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए, तो फिर ये 2 किताबें हैं जिसको एक बेसिक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं हम लोग। और मुझे भी जब पहली बार मौका मिला था इस टॉपिक पे बात करने का तो मैंने वही बेसिक्स पे गया कि दुनिया में बेस्ट क्या है इस पर्टिकुलर टर्म को लेके, तो मुझे पता चला ये 2 बेस्ट कही जाती है, तो मैंने ये पढ़ डाली थी बैक टू बैक। सो पार्ट अपार्ट वी आर गेटिंग इन टू द डिस्कशन, था मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर के लिए, जो आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिख रही है यहाँ पे, ये बात है लगभग 5 साल पहले की, और ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद मुझे लगातार 2 महीने तक फोन आया, यू वोंट सिंपली बिलीव, एक फोन तो मुझे 6 महीने बाद आया था कि यार आपको मालूम है न्यूज़पेपर आर्टिकल का लाइफ कितना होता है, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, एक हफ्ता, पर मेरा फोन कंटिन्यूअसली रिंग कर रहा था 2 महीने तक, और जैसे मैंने आपको बताया एक फोन तो मुझे 6 महीने बाद आया था, क्योंकि वो आदमी ने ये पेपर कटिंग कुछ प्रिजर्व की थी। और ये बेसिकली टॉपिक जो है ना, ये साइकोलॉजी के जो रिसर्च स्कॉलर्स है या फिर अकेडमिशियंस है जो साइकोलॉजी में अपना करियर किए हैं उनकी ये ज्यादा काम का है, पर एक आम आदमी के ज्यादा काम का मुझे लगता है ये। और ये यार मुझे ये फोन इसलिए आए थे क्योंकि मैंने ये टर्म जो है ये थोड़ी सी लेमैन व्यू पॉइंट से समझाने की कोशिश की, ठीक है, एक आम आदमी को समझ में आए और एक आम आदमी को ये टर्म का मतलब क्यों मालूम होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझाने की मैंने कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा वॉल्यूमस बल्कि सा आर्टिकल था जो 2 पेजेस में रन हुआ था, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के, अच्छा खासा कवरेज दिया था इस, और मुझे शायद इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके थोड़ा पॉपुलर करने में ये आर्टिकल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कह सकता हूँ, आपको अगर चाहिए होगा मैं शेयर कर दूंगा आपको, पर बेसिकली जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आज का जो लेक्चर है ये 5 मुद्दों में चर्चा करने की कोशिश करूंगा मैं, सबसे पहले बात करेंगे कि इंटेलिजेंसेस कौन से प्रकार के हैं, तो 4 मुझे मालूम है और भी है पर जस्ट बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ टाइम मैं 4 अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस जो आज का कोर टॉपिक है, जो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो पहले सेक्शन में है, उसी के थोड़ा सा एलेबोरेट वे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हाई IQ और लो IQ के साइंस पहचानेंगे कैसे कि एक आदमी में IQ की मात्रा कम है या ज्यादा है, और उसके बिहेवियरल ट्रेट्स क्या होते हैं, और आखिरी में फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो ये मेरा दायरा है, ये फ्रेमवर्क है मेरे आज के डिस्कशन का,
तो शुरुआत करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर वन जो है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। चार प्रकार के इंटेलिजेंसेस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो हम सबको मालूम है, जिसको हम लोग आईक्यू लेवल कहते हैं। नथिंग न्यू अबाउट इट, और ये तो दुनिया का एक जाना माना परिमाण है बुद्धिमत्ता का, कि आप कितने होशियार है ये एक जानने का प्रमाण यानी आपका आईक्यू लेवल है। ये टर्म जो है 1905 में प्रॉपरली एस्टेब्लिश हुई थी, पॉपुलराइज हुई और तब से अस्तित्व में है। आज भी उसका ही रेफरेंस उतना ही है, उसका इंपॉर्टेंस उतना ही है। ये आज की डेट में भी यानी 100 साल के ऊपर हो गए, फिर भी ये आज भी उतनी ही कंटेम्पररी और उतनी ही रिलीवेंट लगती है। यानी इसका जो लश्कर है, इसकी जो शीन है, वो अभी भी लॉस्ट नहीं हुई है। इट इज स्टिल इन वोग एंड इट इज स्टिल इन प्रैक्टिस एज वेल। अभी इसको थोड़ा सा एलाबरेट कर देता हूं मैं। देखो, आईक्यू को हार्ड स्किल्स कहा जाता है। स्किल्स दो प्रकार की होती है, थोड़ा सा एलाबरेट कर देता हूं। स्किल्स के बहुत सारे प्रकार है, उसमें एक बेसिक कॉन्फिगरेशन अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है हार्ड स्किल्स और दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स। ये दो प्रकार के स्किल्स की मैं बात कर रहा था, हार्ड और सॉफ्ट। आपने ना ये सॉफ्ट स्किल के बारे में बहुत बार सुना होगा या पेपर में भी पढ़ा होगा, इसकी बहुत चर्चा होती है। इंटरनेट पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इस पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। स्टूडेंट्स का जब ग्रूमिंग का पार्ट होता है तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स एक जरूर मुद्दा होता है जिसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं खुद कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का पार्ट होता हूँ एज ए ट्रेनर, तो मुझे भी बहुत बार सॉफ्ट स्किल पे ही बात करने के लिए बोलते हैं। पर एक बेसिक जो स्किल होती है वो है हार्ड स्किल, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होते हुए दिखी नहीं है। आर्टिकल्स आपने शायद ही इसके ऊपर फुल फ्लेजेड आर्टिकल्स देखे होंगे। मैंने लिखा था तरुण भारत के लिए ही, एक कॉलम चलता था तरुण भारत का पूरे साल पर, उसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स पे, और एक पूरा का पूरा आर्टिकल फुल फ्लेजेड मैंने हार्ड स्किल पे लिखा था। पार्ट बार जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट ये क्या बोला है। देखिए, हार्ड स्किल जो है ये हमारा बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारा एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं, तजुर्बा, और हमारी टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स इसको हम लोग कहते हैं हमारी हार्ड स्किल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट आप पहलू बोलिए, या हमारे लाइफ के लगभग एक 20 साल हम लोग फॉर्मली ये अक्वायर करने में बिताते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, नर्सरी से पीजी अगर आप काउंट करते हो, ये 20 साल की जर्नी होती है, और ये फॉर्मल जर्नी होती है। फॉर्मल यानी क्या? बाकायदा स्कूल और कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना, वो कोर्स करिकुलम कंप्लीट करना सिस्टमैटिकली डिफाइंड शेड्यूल के साथ, एग्जाम्स देना, क्रैक करना, सर्टिफिकेट्स लेना, जिसको फॉर्मल कहा जाता है। हार्ड स्किल का मतलब ये है कि ये स्किल हमारे पास है, इसका हम लोग प्रमाण दे सकते हैं। यानी आपने अगर पीएचडी किया है तो आपके पास पीएचडी की जो डिग्री है उसका प्रमाण हो गया, वो कि आपने पीएचडी किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है। आपने एमएससी किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है मार्कशीट से। यानी क्या ये बताता है? हार्ड वो सेंस में है कि जिसके आप इविडेंसेस दे सकते हो। आपके पास तजुर्बा, आपके पास पढ़ाने का तजुर्बा है। इफ सपोज आप पिछले 10 साल से किसी एक कॉलेज में पढ़ा रहे हो, यानी आपका वो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो, इसके आप प्रमाण दे सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्वाइनिंग के लेटर्स होते हैं, आपके पास अकम्प्लिशमेंट के लेटर्स होते हैं, वगैरह वगैरह, जिसके एविडेंसेस आप दे सकते हो। तीसरा है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल का मतलब क्या है? जो शायद एजुकेशन लेते वक्त आपको नहीं इम्पार्ट हुई, पर आपको लगता है कि आपकी जो प्रोफेशन है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन करना जरूरी है, जिसको हम लोग टेक्निकल कहते हैं। जैसे अभी आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपने पीएचडी का कोई कोर्स कर लिया, रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स का, आपने बाकायदा वो पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोलमेंट किया, यू हैव अंडरगॉन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यू हैव क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड नाउ यू हैव अक्वायर्ड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स। कोई सॉफ्टवेयर का आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, कंप्यूटर्स का लेके आपने कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है,
ये प्रमाणित करता है कि जो एकेडमिक का पार्ट तो नहीं है पर आपकी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने वाली स्किल्स है और ये टेक्निकल नेचर की है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं हार्ड स्किल्स। और आपका आईक्यू जो है वो बेसिकली डेवलप होता है यहाँ से। आईक्यू डेवलप होने में या फिर आईक्यू हमारे पास कितना है ये जानने के परिमाण ये है कि हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। हमने अगर पीएचडी किया है तो लोग बोलते हैं यार बड़ा होशियार आदमी है यार, क्या क्वालिफिकेशंस है ना। इट्स एन इंडिकेटर ऑफ योर आईक्यू लेवल। आपने कोई सर्टिफिकेशंस किए हैं, आप सपोज आईआईएम में कोई गए और 2 महीने का कोई कोर्स आप आईआईएम से करके आए तो आप बोलेंगे यार टेक्निकल स्किल, यार आईआईएम से पढ़ा लिखा हुआ है। यानी क्या ये प्रमाणित करता है कि आप बुद्धिमान है, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंटेलेक्चुअल है, आपके पास तजुर्बा है। तो तजुर्बे की वजह से जो आपके बोलने में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो शायद आपकी होशियारी का प्रमाण है। सो आईक्यू जो है वो बेसिकली डेवलप होता है, प्रमाणित होता है और रिफ्लेक्ट होता है आपकी हार्ड स्किल से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईक्यू इज टिपिकली कंसिडर्ड एज अ हार्ड स्किल। दूसरा है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट का मतलब है ये इनविजिबल सी चीजें हैं, इनविजिबल है, इसके प्रमाण नहीं है आपके पास। आप जैसे जानते हो कि सॉफ्ट स्किल्स में आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड जो पहलू होते हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, आपका पहनावा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, या बाकी बहुत सारी चीजें में जिसके प्रमाण नहीं है आपके पास कि आप बहुत अच्छे ओरेटर है, तो किसी ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हाँ आपका लेक्चर होने के बाद शायद तारीफ कर ली होगी, आपके फीडबैक में दिख रहा है, पर इसके सर्टिफिकेट्स नहीं है और इसको वो प्रमाणित करने की जरूरत भी नहीं होती है। लोग ना ये महसूस करते हैं, यानी में आपने एमबीए किया है ये शायद आपको देख के नहीं पता चलेगा पर आपके सर्टिफिकेट से प्रमाणित हो जाता है। वैसे ही सॉफ्ट स्किल जो है वो इनविजिबल सी होती है और इसका जो है हम लोग शायद ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं। हमारा फॉर्मल ट्रेनिंग बेसिकली यहाँ जाता है आईक्यू की तरफ। और सॉफ्ट स्किल्स ईक्यू जो है ये सॉफ्ट स्किल्स का ही एक पहलू है और अभी तो ये करिकुलम में आना शुरू हुआ, पर जैसे आप मुझे लगता है मेरे ही जनरेशन के हैं, मेरे ही कंटेम्पररी है शायद, तो हमारे जमाने में मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लिया होगा सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए, या 5-5 साल का कोई कोर्स किया हुआ है, या बहुत पैसे खर्च किए, जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम हमने। हाँ ये इम्प्लिसिट वे में होते गया, हमारी पर्सनैलिटी निखरते गई, पर ये बेसिकली इनविजिबल इश्यूज होते हैं और ईक्यू जो है वो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स को लेके डील करता है। ये मेरा पहला मुद्दा है कि ईक्यू और आईक्यू में। देखिए आईक्यू की जो बात चल रही है, हम लोग इंटेलिजेंसेस के प्रकार देख रहे हैं जिसमें पहली बात कर रहे हैं हम लोग आईक्यू की। आईक्यू आपका रिफ्लेक्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं, आपने कौन सी डिग्री ली है। आप अगर एमबीबीएस है लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, आपने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है, ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा माना जाता है कि आप बुद्धिमान हैं। जितनी उच्च कोटि की आपकी डिग्री रहेगी, जितनी यूनिक क्वालिफिकेशंस रहेगी, उतना आपका आईक्यू ज्यादा है, ऐसा लोग मानते हैं। आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स, आप अगर मेरिट में आए हैं, आपने किसी सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन लिया हुआ है, तो माना जाता है कि आप होशियार है, आपका आईक्यू लेवल तगड़ा है। आपने एग्जाम्स कौन से पास किए, सपोज आपने नेट सेट जो बहुत ही रेयर चीज मानी जाती है हमारे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, नेट सेट या फिर कोई यूनिक से एग्जाम जो क्रैक करना इतना आसान नहीं है, या फिर आपने स्कोपस में पेपर पब्लिश किया हुआ है, तो ये माना जाता है आपका आईक्यू लेवल, यानी आप बहुत होशियार है। स्कोपस हो या फिर WOS जैसे जर्नल में, या फिर ABDC लिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे अगर आपने पेपर पब्लिश किया हुआ है और वो चीज यूनिक है तो आपका आईक्यू ज्यादा है, ये प्रमाणित हो जाता है। आपने आपको कितने मार्क्स या परसेंटेजेस मिले हुए हैं, आप ऑल थ्रू 10वीं से लेके पूरे पीजी तक अगर फर्स्ट क्लास के नीचे नहीं है तो माना जाता है कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से कोर्सेस किए हुए हैं, वो ब्रांड्स इंस्टीट्यूशन के ब्रांड्स अगर यूनिक है, तगड़े लेवल के है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से आपने किया हुआ है, तो माना जाता है आप होशियार है, आपका आईक्यू लेवल तगड़ा है, क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पहुंचना इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अचीवमेंट्स, और वो ये प्रमाणित कर देता है कि आप बुद्धिमान हैं, आपके पास आईक्यू लेवल अच्छा है, इसलिए तो वहां तक पहुंचे हो और क्वालिफाई हुए हो। फिर
आईक्यू से रिलेटेड ये तीन मुद्दे, इट मेजर्स द एनालिटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. इट डिसाइड्स योर इंडिविजुअल कैपेसिटीज एंड योर इंटेलेक्चुअल लेवल, यू कैन से. इट हेल्प्स यू इन गेटिंग द जॉब. इसका मतलब क्या है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हजारों की तादाद में अप्लीकेशन आती है और सबको इंटरव्यू का कॉल नहीं आता है. कॉल किसको जाएगा? जिसका रेज्यूमे में दम है. और रेज्यूमे में दम यानी क्या? आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितने तगड़े हैं, आप एकेडमिकली कितने साउंड है, आपके परसेंटेजेस, आपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है क्या, आपने स्कोपस में पब्लिकेशन किए है क्या, आपने बुक लिखे है क्या, वगैरह वगैरह. आपने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए है क्या, आपने किसी ओपन फोरम पे बड़े लेवल पे या इंटरनेशनली लेक्चर्स दिए है क्या, ये सब प्रमाणित करता है कि आपका आईक्यू लेवल तगड़ा है. इसकी वजह से आपका इंटरव्यू के लिए जो स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेशन का, आपका आईक्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको इलिजिबल बनाने के लिए. इंटरव्यू का कॉल मिलना और बहुत बार आपका इंटरव्यू क्रैक करने में भी शायद आपके आईक्यू का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है. आपको आईक्यू की वजह से इंटरव्यू का कॉल आने के चांसेस अच्छे हैं और आपकी अच्छी आईक्यू लेवल की वजह से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस भी अच्छे हैं. यानी क्या? आपको आईक्यू हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में. यानी जब ईक्यू की बात आएगी, इसी लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे लेके दिखाऊंगा. ये बॉटम लाइन है आईक्यू को लेके. आईक्यू हेल्प्स यू इन नोइंग द बुक, यानी नॉलेज गेन करने के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए. जिसका लॉजिक ज्यादा डेवलप हुआ रहता है उसका आईक्यू ज्यादा अच्छा है ऐसा माना जाता है. आपकी मेमोरी आप बोलिए या फिर रिकॉल करने की क्षमता, आप कितनी चीजें कितनी क्विकली ग्रास्प कर सकते हो, वो भी एक आईक्यू का प्रमाण है. कि मैं अभी कुछ समझा रहा हूँ, हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है. वो होता है ऑब्वियसली आईक्यू लेवल की वजह से, कि किसी को जल्दी से समझ में आता है, किसी को थोड़ी देर लगती है, किसी को एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है. बाद में एग्जाम में मार्क आने का एक ज्यादा मार्क्स जिस उसको आते हैं जिसका मेमोरी स्ट्रांग है और जो सब्जेक्ट मैटर को क्विकली रिकॉल कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है. इन सब लोगों का आईक्यू लेवल बेटर है ऐसा माना जाता है. तो आईक्यू एक बेसिक रोल प्ले करता है कि आप कितने होशियार है ये प्रमाणित करने के लिए. आप देखेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो नेट सेट हो या फिर आपकी आईएएस की एग्जाम हो या आईपीएस की हो, आपके एमपीएससी के एग्जाम्स हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, बैंक क्लरिकल हो, रेलवेज की एग्जाम्स हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर नंबर वन, इवन हमारी पीएचडी की एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम पीईटी कहते हैं, इन सब का पेपर नंबर वन जो होता है उसमें जो चेक किया जाता है वो मोस्टली आईक्यू होता है. आप पेपर नंबर वन का अगर नेचर देखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, उसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पार्ट, ये सब जनरली आपको कंप्यूटर की लिटरेसी, ये सब जनरली चेक किया जाता है. एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो या जनरल नॉलेज हो, ये एक नेचर होता है आपके पेपर नंबर वन का. और यहाँ पे जो चेक किया जा रहा है वो बेसिकली आईक्यू लेवल चेक की जा रही है. आप देखेंगे कि मैक्सिमम स्कूल का फोकस जो है वो आईक्यू इंप्रूव करने में होता है. जितना भी स्कूलिंग और कॉलेजेस में हम लोग ऐसे प्राध्यापक करते हैं, हम लोग नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग स्किल एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं. स्किल कौन सी? तो आपको कंप्यूटर आता है क्या, सॉफ्टवेयर आते हैं क्या, वगैरह वगैरह. फोकस जो है स्कूल्स और कॉलेजेस का वो अपने स्टूडेंट्स का आईक्यू बढ़ाने में ज्यादा होता है. उनको क्वालिफाई करना, इलिजिबल करना, नॉलेज देना, स्किल्स डेवलप करना, यहाँ पे फोकस है. बात करते हैं दूसरे प्रकार का इंटेलिजेंस जो है इमोशनल इंटेलिजेंस. और आज का हमारा लेक्चर ही बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का है, तो इसके ऊपर तो मैं कॉन्फिडेंसली बात कर ही रहा हूँ, पर फॉर द टाइम बिंग एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे रहा हूँ मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके. 1964 में ये ऑफिशियली टर्म कॉइन हुई इमोशनल इंटेलिजेंस. और जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 1995 के आसपास ये टर्म दुनिया को पता चली, पॉपुलराइज हुई, एंड क्रेडिट गोज टू डेनियल गोलमन साहब.
इमोशनल इंटेलिजेंस को ईक्यू से मेजर किया जाता है, जैसे इंटेलिजेंस क्वोशंट हम लोग बोलते हैं, आईक्यू लेवल, वैसा ही आदमी का ईक्यू लेवल भी होता है जो मेजर किया जा सकता है, वो गिना जा सकता है, उसके आंकड़े आते हैं, क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है। और इसके लिए कुछ टेस्ट आती है जो साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर करके आपको बता देते हैं कि आपका ईक्यू लेवल कितना है। सो ईक्यू और ईआई, ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज एक ही है, ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसको मेजर करने का एक यूनिट जो है दैट इज कंसिडर्ड एज योर ईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल एंड ईक्यू लेवल, दिस इज हाउ वी डिस्कस अबाउट इट। इसकी टेस्ट आती है, स्टैंडर्ड टेस्ट होती है, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन मेजर योर ओन ईक्यू लेवल। सो एक आम आदमी की भाषा में अगर जानना है कि ईक्यू क्या है, तो ये इंडिया के सेंस में मुझे लगता है कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी से जो ईक्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपका स्मार्टनेस, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आपका एक जो स्मार्टनेस कहते हैं ना कि यार चुनचुनीत पणा जला मराठीत म्हणतो आपण, दैट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ईक्यू लेवल। आप सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं स्मार्टली, दैट इज व्हाट द ईक्यू लेवल इज बेसिकली। ये आपके एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है, इसी को सॉफ्ट स्किल्स भी हम लोग इंडिया में कहते हैं, और इसको कॉम्पिटेंस, और इससे भी आगे जाके मैं बोलूंगा एक मैच्योरिटी लेवल, कि आप वो चीजों को कितने मैच्योर्डली, सिचुएशंस को कितने मैच्योर्डली हैंडल करते हो। तो शायद मुझे लगता है दुनिया इसको ईक्यू कहती है, पर अपने इंडिया में ये सब ईक्यू एक एक ट्रेंडी नाम मैं बोल रहा हूँ इसको, पर हम लोग जो इंडिया में मानते हैं, मुझे लगता है ये टर्म सब ईक्यू को ही रिफ्लेक्ट करती है हमारे सेंस में। अभी थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं ये डिस्कशंस को। देखिए आईक्यू जो है वो विद्वत्ता बताता है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, आप अपने अपने स्कूल की जर्नी याद करिए, और मैं कह रहा हूं इसलिए आप जस्ट पल भर के लिए अपने आप को स्कूल में लेके जाइए, आंख बंद कर लीजिए, स्कूल में लेके जाइए अपने आप को आपके, और जस्ट विजुअलाइज करने की कोशिश करिए आपकी क्लासरूम, ठीक, और जस्ट याद करने की कोशिश करिए कि जो सामने बैठते थे, सामने के बेंचेस पे जो बच्चे बैठते थे, और वो जनरली हमारे जमाने में तो भी वो होशियार लोग सामने बैठते थे, ऐसा एक प्रमाण था, एटलीस्ट मेरे स्कूल में तो था, और इन जनरल मैंने देखा भी है कि जो सामने बैठते थे वो क्लासरूम के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स, जो शायद मेरिट में भी आए होंगे। अभी आप याद करने की कोशिश करिए कि वो जो सामने के बेंचेस पे जो स्टूडेंट्स बैठते थे वो आज आपके कांटेक्ट में है क्या, और अगर है तो वो क्या कर रहे हैं। और उसी तरीके से आप जो बैक बेंचर्स थे, और बैक बेंचर कहने के बाद ही ये आता है मन में कि यार ये अकेडमिकली इतने शायद साउंड नहीं होंगे, पर ये मस्ती में टॉप पे थे, इनको बैक बेंचर की ये डेफिनेशन है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। तो आप याद करने की कोशिश करें कि आपके क्लास के बैक बेंचर्स आज आपके कांटेक्ट में है क्या, और वो आज लाइफ में बड़े होने के बाद क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। मैंने मेरे क्लासरूम को तो याद कर लिया, आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये रियलाइज हुआ, और आपको भी शायद एक थोड़ा सा रियलाइजेशन ये आया होगा कि क्लासरूम में जो हमेशा टॉप करते थे, जरूरी नहीं है कि वो सब लोग जिंदगी में टॉप कर रहे हैं, यानी जिंदगी में सक्सेसफुल है ऐसा जरूरी नहीं है। और जो बैक बेंचर्स जिनको हम लोग अकेडमिकली वीकर मानते थे, कि जो एक अटेम्प्ट में शायद पास नहीं हो रहे होंगे, अगर पास भी हो रहे होंगे तो इतने अच्छे मार्क्स के साथ नहीं हो रहे होंगे, या जिनको बार बार अटेम्प्ट लग रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि वो लोग जिंदगी में भी फेल हुए हैं, यानी में। और एक अनुमान, और एक स्टडीज हुई है इसके ऊपर बहुत सारी, और वो स्टडीज में यही कहा गया है कि जो क्लासरूम में टॉप करते हैं, जरूरी नहीं वो जिंदगी में भी टॉप करेंगे, और उसके एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्ट में कि जो क्लासरूम में अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं कि वो जिंदगी में भी अच्छा नहीं होगा। यानी क्या, आईक्यू होने के बाद भी, यानी आप क्लासरूम में टॉप करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप जिंदगी में भी टॉप कर लेंगे, और उसके लिए कोई एक चीज कॉम्प्लीमेंट करती है, और वही शायद ईक्यू है। देखिए ईक्यू बताता है कि आप क्लासरूम के बाहर कैसे हैं, आईक्यू बताता है आप क्लासरूम के अंदर कैसे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है एकेडमिक परफॉर्मेंस, और ईक्यू बताता है आपका जिंदगी का परफॉर्मेंस कैसा है, आप कितने रिसोर्सफुल है, यानी क्या घर के छोटे मोटे काम भी अगर अड़ जाते हैं तो आप
कितने रिसोर्सफुल है, यानी आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं और कितनी आसानी से आप वो सिचुएशंस को टैकल कर रहे हो। खास करके कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपके क्लासरूम के मार्क्स शायद ही आपको हेल्प करेंगे। आपका जो पर्सनल सोशल नेटवर्क है शायद वही उस वक्त काम में आता है, जिसको रिसोर्सफुलनेस कहा जाता है। तो ईक्यू इंडिकेट करता है कि आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, आपके रिसोर्सफुलनेस, आपका नेटवर्क बोलिए वो कितना तगड़ा है, यानी आप क्लासरूम के बाहर कितने रिसोर्सफुल हो, कितने तगड़े हो। आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी, यानी क्या आपके दोस्त कितने हैं, कौन सी क्वालिटी के हैं और वो कितने लॉयल है आपको लेके, और इमरजेंसीज में वो आपको कितने सपोर्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्लासरूम के बाहर का परफॉर्मेंस कहते हैं। और इक्यू ये इंडिकेट करता है। इक्यू मेक समवन एबल टू मेंटेन पीस विद अदर्स, यानी दूसरों के साथ झगड़े ना होने देने का या मेंटेन करने का, रिलेशनशिप मेंटेन करने का कंट्रीब्यूशन जाता है इक्यू को। कीप टू टाइम, ये जो ट्रेट्स है ना, मैं ये थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा इलेबोरेटली विद एग्जांपल्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ है मेरे पास। एक स्टोरी है, दिलीप सिंह सर की एक किताब है, इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्कप्लेस नाम से ही है, छोटी किताब है, मैंने पढ़ी, अच्छी किताब है वो। और उसी में दिलीप सिंह सर ने ये स्टोरी साइट की है जो आपको बता रहा हूँ मैं, अजय और विजय की स्टोरी, ऐसा उसका टाइटल दिया है सर ने। इसमें ना सर ने कॉन्ट्रास्ट दिया है, और उसने ये कहा है कि अजय और विजय ये दोनों स्कूल के क्लासमेट्स थे, और बचपन से ही इनका जो एजुकेशन रहा ये साथ में हुआ, स्कूल का और कॉलेज का सभी एजुकेशन दोनों ने साथ में किया। अजय जो है वो क्लास का टॉपर था, हाईली इंटेलेक्चुअल, और उसने कभी मेरिट छोड़ा नहीं, यानी आप 10वीं 12वीं बोलिए और आगे भी उसने टॉप पे ही सब कुछ किया। और विजय जो है वो एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं था, इतना है ना एवरेज था, पर अजय जितना बढ़िया नहीं था, थोड़ा सा एकेडमिकली वीकर होगा, पर अजय बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसके मार्क्स अच्छे आते थे, तो क्लासरूम के बाकी बच्चों को भी लगता था कि यार इसकी संगत में रहना चाहिए और इसके जैसा बनना चाहिए, अजय जैसा। तो ऑब्वियसली लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश करते थे, पर अजय ने बाकी लोगों को अपने इर्द गिर्द भी कभी घूमने नहीं दिया। उसके एग्जैक्टली उल्टा विजय था। विजय जो है क्लासरूम में बड़ा पॉपुलर, जब कभी भी यानी गेटिंग अलोंग विद पीपल जिसको कहते हैं ना, तो विजय में वो एक क्वालिटी थी। आपको भी मालूम है एक क्लासरूम 50 की अगर है तो उसमें भी 4 से 5 ग्रुप आपको अपेरेंटली दिख जाते हैं, और विजय एक ऐसा बंदा था जो चारों पांचों ग्रुप का मेंबर था, नहीं, और बड़ा पॉपुलर था, और लोग चाहते थे कि उसके साथ रहे और उसकी कंपनी एंजॉय करे। ओवर द पीरियड दोनों का एजुकेशन हुआ, और इनकी जब नौकरी की बात आई तो अजय ने 5 इंटरव्यूज दिए और विजय ने भी 5 इंटरव्यूज दिए। अजय ने 5 में से 1 इंटरव्यू क्रैक किया और ज्वाइन कर लिया। विजय ने 5 में से 4 इंटरव्यूज क्रैक किए और उसने सिलेक्ट किया कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ। एक साल हो गया दोनों को नौकरी करके, और एक साल बाद अजय को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया और विजय को उसी वक्त प्रमोशन मिल गया था। आपको शायद समझ में आ रहा होगा ये जो हुआ है, ये आईक्यू की वजह से नहीं, ये ईक्यू की वजह से हुआ है। अजय इंटेलेक्चुअल जरूर है, उसके क्वालिफिकेशन देख के उसको नौकरी मिल गई, मेरिटोरियस था, उसको नौकरी मिल गई। विजय एकेडमिकली बहुत बेहतर नहीं था, नौकरी मिल गई और उसमें उसकी ग्रोथ भी हो गई। उसका कारण था ईक्यू। ईक्यू जो है वो आपको हेल्प करता है करियर में ग्रो करने के लिए, आईक्यू आपको हेल्प करता है नौकरी दिलाने के लिए। अजय को आईक्यू की वजह से नौकरी मिल गई और विजय की ईक्यू की वजह से ग्रोथ हो गई। और ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भले ही होगा, पर ये स्टोरी आपके आजू बाजू में आपने कहीं ना कहीं देखी या महसूस की हुई आपको लग रही होगी, और हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे आपको लोग दिखेंगे कि जो स्कूल में और कॉलेजेस में इतने बेहतर नहीं थे पर जिंदगी में बहुत बेहतर कर रहे हैं। चेतन भगत साहब आपको मालूम है कि इज अ वेरी पॉपुलर राइटर, और इन्होंने कैप्शन दिया है, यू जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कैप्शन, पीपल हु कम फर्स्ट इन क्लास डोंट डू द बेस्ट इन लाइफ, पीपल हु अंडरस्टैंड पीपल देयर फील्ड एंड देमसेल्व्स टू। ये बात हो रही है विजय की। विजय की ग्रोथ होने का कारण क्या? बिकॉज ही वॉज अ परफेक्ट टीम प्लेयर।
टीम में काम करना उसको पसंद था, लोगों को समझना, उनको उनको जानना और उनके साथ काम करना स्किलफुली, और वो भी एमिकेबली। ये विजय के पास स्किल था जो शायद अजय के पास नहीं था। अजय भले ही एकेडमिकली होशियार होगा पर लोगों के साथ कैसे डील करते हैं ये इशू शायद उसको नहीं डील करते आया। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ईक्यू नहीं था जिसकी वजह से उसका शायद एकेडमिक बहुत बेहतर होने की वजह से भी करियर प्रॉस्पर नहीं हो पाया। आपको एक मजे का स्टैटिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ कोई सर्वे हुआ है, उसमें एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा सामने आया कि जो लोगों ने रिसेंट टाइम में नौकरी छोड़ी थी ना उनका सर्वे किया गया था और उनको पूछा गया था कि आपका कारण क्या है नौकरी छोड़ने का। तो आपको मालूम है नौकरी छोड़ने के स्वाभाविक कारण क्या होते हैं कि दूसरी जगह आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, ये एक ऑब्वियस कारण होता है। पर ये जो सर्वे हुआ है ना उसमें एक स्टार्टलिंग फैक्ट ये सामने आया है कि मेजर रीजन जो है नौकरी छोड़ने का वो है मेरी बॉस के साथ और सहकारियों के साथ नहीं जमती गेड़ी में। यानी क्या यार, लोगों के साथ डील करना बड़ा मुश्किल काम है और वही एक कारण है यार, 4 पैसे कम दो पर माहौल अच्छा बना के रखो। दिस इज वॉट पीपल आर लुकिंग फॉर। और ये जो बातें हो रही है ना ये शायद ईगो क्लैशेस है या फिर मतभेद है, ये सब रूट्स है आपके ईक्यू के। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश आईक्यू एंड ईक्यू। देखिए ये आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स ही है दोनों, आईक्यू जो 1905 में आया और ईक्यू 1964 में आया, और आपके सक्सेस में मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है। आपको सिर्फ होशियार होके भी नहीं चलता है, और सिर्फ यानी आपके पास सिर्फ अगर ईक्यू है तो भी मुझे लगता है, पर ये दोनों जिसके पास है ना वो शायद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसका एक प्रमाण आप देख सकते हैं, ये 4 बिजनेस टाइकून्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हेनरी फोर्ड, बाद में बिल गेट्स, उसके साथ ये गौतम सिंघानिया साहब है अडानी ग्रुप के, और धीरू भाई अंबानी, इनको तो आप जानते ही हैं। ये चारों लोगों में एक चीज कॉमन है, वो है ऑब्वियसली ये सबसे बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कैटेगरी में है, और इन चारों में एक चीज कॉमन है कि ये लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट्स थे। इनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत नहीं है पर आज भी ये बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में है। यानी क्या सिर्फ आईक्यू बहुत बार काम नहीं करता है। स्टीव जॉब्स आप इनको जानते हो और मानते भी हो, एप्पल के फाउंडर एमडी, इनका कहना यह है कि 80% सक्सेसफुल लोग जो है दे डोंट हैव कॉलेज डिग्री। यानी क्या आपके पास हार्ड स्किल्स नहीं है पर ईक्यू की वजह से शायद आप बेहतरीन कर सकते हो जिंदगी में। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं जो है एसक्यू, सोशल क्वेश्चन। ये बताता है कि आपका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी और सोशल नेटवर्क कैसा है। यानी क्या लोग आपको कितना सोशली पसंद करते हैं, लोगों के साथ आपकी कितनी इजीली जमती है, आपके आपके फ्रेंड के ग्रुप्स होंगे, आपके कलीग्स के ग्रुप होंगे, आप उसमें आपको कितना एक्सेप्टेंस है वहां पे, कितना लाइकेबिलिटी है। मैं जस्ट कह रहा हूँ, इसलिए जस्ट छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ईक्यू एसक्यू का। एक्चुअली एसक्यू ना ये ईक्यू का ही एक पार्ट है, एसक्यू ईक्यू का ही एक पार्ट है। तो सोशल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन ये दो अलग चीजें नहीं है। ईक्यू थोड़ी बड़ी चीज है, सोशल क्वेश्चन उसमें का एक छोटा सा एलिमेंट आप बोल सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ईक्यू एसक्यू आप में कितना है वो जानने की कोशिश करिए, ये एग्जाम्पल को जस्ट फॉलो करने की कोशिश करिए। देखिए आपके सोशल ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप वाले हो या फिर इन जनरल जो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स होंगे या आपके कलीग्स के ग्रुप्स होंगे, बहुत बार ना ये आप एटलीस्ट दो चार पांच ग्रुप के तो मेंबर्स होंगे फॉर श्योर। आपके स्कूल लेवल का एक अलग ग्रुप होगा, कॉलेज लेवल का अलग होगा, कॉलोनी के दोस्तों का अलग होगा, आपके कलीग्स वर्क प्लेस के उनका एक अलग से ग्रुप, ऐसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हमारे होते हैं। अभी ये जनरली ना कुछ कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, कि कुछ ना कुछ पार्टीज वगैरह प्लान होती है कि यार पिकनिक जाना है। अभी तो ये आइडियल सीजन है पिकनिक का, नवंबर दिसंबर, तो आप जस्ट याद करिए इतने सारे सालों में ऐसे मौके बहुत बार आए कि यार कोई पिकनिक प्लान हो रही है और आपके ग्रुप में ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है कि जो उस पर्टिकुलर पिकनिक या पार्टी का हिस्सा रहना जरूरी होता है। वो अगर नहीं है तो सब उसको मिस करते हैं, उसके बारे में बात होती है यार आज वो नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, हर कोई उसको मिस कर रहा है। या फिर वो नहीं आ रहा है तो बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि यार पूरी पिकनिक ही कैंसिल हो गई, जान दो यार वो नहीं आ रहा ना तो अगली बार करते हैं। वो जो बंदा है ना मुझे लगता है वो
कंप्लीट पैकेज है आपके एसक्यूआर ईक्यू का। सर याद करने की कोशिश करिए, आपके ग्रुप में ऐसा एक बंदा जरूर होता है, हर ग्रुप में ऐसा एक हीरा या हीरो आप बोलिए, ऐसा जरूर होता है बॉस, की जो एक जिंदा पैकेज है। आप अगर मुझे पूछेंगे, किताबें वगैरह छोड़ दीजिए यार, मैं तो ये किताबों के बाहर की बातें बता रहा हूँ आपको, इंटरनेट के बाहर की बातें, ये मेरे कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ईक्यू याने क्या या एसक्यू याने क्या। तो मुझे लगता है यार हमारे ही ग्रुप का एक ऐसा बंदा जो छा जाता है यार, कि लोग उसको मिस करते हैं, वो चाहते हैं कि यार ये हमारे ग्रुप में रहे, हमारे साथ ज्यादा टाइम दे, यू नो, उसको वो नहीं रहा पार्टी का हिस्सा तो मिस करेंगे लोग वगैरह वगैरह। अभी याद करने की कोशिश करिए कि वो बंदे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग उसके इतने फैन फॉलोइंग है यार, लोग इतना उसको चाहते हैं। मेरे भी स्कूल के ग्रुप में ऐसा एक बंदा है, अभी भी मैं नरेट कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने उसका ही चेहरा आ रहा है। वो तो नहीं रहा तो मजा नहीं आता है यार, प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। ये भी अभी वो बंदा वैसा, उसको स्टेटस या लाइकेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी होने का एक बड़ा कारण क्या है, तो ऑब्वियसली वो सबको ना साथ में लेके चलता है, ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, सबको साथ में लेके चलना, लोगों का मन पढ़ना कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के सुख दुख में सामने होके इनिशिएट करके उनको मदद करना, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना, ऐसे लोग सबको पसंद है बॉस। और मुझे लगता है यही तो सोशल क्वेश्चन है, आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जैसे किताब में इसको कहा गया है, यही तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है यार, आपका अनुभव उस आदमी के साथ ओवर द पीरियड बोल रहा हूँ मैं, एक सिंगल एक्सपीरियंस नहीं, रिपीटेटिव एक्सपीरियंस अगर पॉजिटिव आता है एक ही आदमी का, तो उसका एक अलग से इमेज तैयार हो जाता है, और मुझे लगता है यही एक सोशल क्वेश्चन का बड़ा प्रमाण है। और हमारे सबके ग्रुप में वो एक बंदा जो है वो जिंदा पैकेज है एसक्यू और ईक्यू का। देखिए एसक्यू की क्वालिटी, एसक्यू जिनका हाई होता है ना, उनका सोशल नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है। आप देखेंगे फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड्स भी, और उसने फेसबुक के, आपको मालूम है फेसबुक में 5,000 फ्रेंड्स की लिमिट है, तो वो बंदे ने अपने नाम से 2 फेसबुक पेज ओपन करके रखे है, 1 और 2, फिर भी उसकी लिस्ट है जो है वो खत्म नहीं हो रही, सोशल नेटवर्क तगड़ा है, फैन फॉलोइंग बोलो उसकी, या फिर हर जगह रास्ते से भी जाएगा तो 10 लोग उसको हाई करेंगे। दिस इज व्हाट द इंडिकेटर ऑफ योर हाई एसक्यू, कि जैसे आज अपने यानी टीचर्स के आप देखेंगे कि यार हम लोग कॉरिडोर से जा रहे, स्टूडेंट पास भी होते तो भी यार बहुत बार ऐसा मेरा तो अनुभव है कि बहुत बार स्टूडेंट्स भी यार आपको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए तैयार नहीं है। में ऐसा बहुत सा अनुभव मेरे भी कलीग्स बताते हैं कि यार ये स्टूडेंट में प्रॉब्लम है या अपने में प्रॉब्लम है ऐसे हमारी बहुत बार चर्चा हुई है। वही स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं कि आप जा रहे हो एज ए टीचर, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, और 2 कदम पे उसका सीनियर दिख जाता है, उसको गुड मॉर्निंग सर करके वो बोलता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि यार हमारा एसक्यू कम है कि उसका एसक्यू कम है, घड़ी में। सो ये चीजें रियल लाइफ में दिखती है, पर एसक्यू जो है ये आपको नेटवर्क बनाने में, फ्रेंड्स बनाने में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी फ्रेंडशिप एंड्योर करने के लिए, यानी क्या एवर लास्टिंग, यानी सिर्फ फ्रेंडशिप करना यानी एसक्यू नहीं है, उसको टिकाना और निभाना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ एसक्यू। बीच में मैंने फेसबुक पे ये कैप्शन पढ़ा था कि जो लोगों की फ्रेंडशिप 7 साल तक टिकती है वो जिंदगी में फिर कभी सेपरेट नहीं होते हैं, ऐसा एक कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट सामने आया है। 7 साल से ऊपर अगर फ्रेंडशिप टिक गई तो आप लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड हो जाते हो। देखिए दिल चाहता है मूवी है, आपने भी ये देखी होगी, फरहान अख्तर की मेरे ख्याल से ये पहली मूवी थी एज ए डायरेक्टर, और कहीं मैंने पढ़ा है कि फरहान अख्तर के रियल लाइफ की ये स्टोरी है, और उसके भी 3 दोस्त है, ये तीनों की दोस्ती की ही, फ्रेंडशिप की कहानी दिल चाहता है में दिखाई थी, और अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक मूवी का सीन है, और इसके ठीक बाद इंटरवल हो जाता है, इंटरवल से ठीक पहले का सीन है शायद, मेरा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये सीन में ये दिखाया है कि आमिर खान अक्षय खन्ना को एक लाइन ऐसी कुछ बोल देता है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा वो लाइन, पर वो सिंपल एक लाइन की वजह से इनकी तीनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। यानी क्या मैसेज यहाँ पे ये है कि सोशल क्वोशेंट का एक पहलू ये है कि आप भले ही बहुत अच्छे गहरे दोस्त क्यों ना हो, बट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो द लिमिट्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हर रिलेशनशिप, वॉट एवर रिलेशनशिप वी आर इन, हम फ्रेंड्स हो या फिर हम लोग कोई ब्लड रिलेशन हो, हर एक रिलेशन जो होता है ना, हमारा बॉस या सबऑर्डिनेट का रिलेशन हो, जो भी 2 आदमियों के बीच में रिश्ता होता है वो अलग अलग लेवल के रिश्ते हो,
और वो रिश्तों की एक लिमिट होती है, यू यू कांट ब्रीच दैट पर्टिकुलर लिमिट। और ये जो सीन में दिखाया है ना, ये तीनों बहुत गहरे दोस्त हैं, पर आमिर खान उसमें एक लाइन ऐसा बोल जाता है कि जो उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाती है, और वो एक सिंपल सी लाइन, एक सिंपल सा छोटा सा कारण, ये इतनी एंड्यूरिंग रिलेशनशिप खत्म कर रही है। यानी क्या, शायद एसक्यू की कमतरता, और एसक्यू यानी वन ऑफ द ट्रेड्स यू कैन से, वन ऑफ द एलिमेंट्स यू कैन से, यू मस्ट नो द लिमिट्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। ये मैं समराइज कर रहा हूँ तीन इक्यू को, इसके बाद और एक मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इमोशनल क्वेश्चन को लेकर और ज्यादा चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, पहला पार्ट था IQ जो माइंड पावर को रिफ्लेक्ट करता है, EQ आपके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, और SQ आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी फेम को रिफ्लेक्ट करता है, और उसके बाद आता है फिर आपका AQ जिसको कहा जाता है एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी का मतलब है हमारे लाइफ के बैड पैचेस। आप वो लाइफ के बैड पैचेस को कैसे टैकल करते हो, दैट विल डिटरमाइन योर एडवर्सिटी क्वेश्चन। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज मल्टीनेशनल कंपनीज में ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। आप ना थोड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के जो फॉर्म्स होते हैं ना अप्लीकेशन के नौकरी के लिए, वो थोड़ा सा गौर से पूछें, क्योंकि मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूँ ना, मेरे पास ये सब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं फॉर्म्स लेके, सर यहाँ पे क्या लिखना है। मैंने देखा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके फॉर्म में एक क्वेश्चन ये होता है कि आपकी लाइफ में सबसे बुरा बुरा पैच क्या आया था, और वो घटना क्या थी वो बताइए, और उसके ठीक नीचे क्वेश्चन आता है कि उस वक्त आपने क्या किया वो बताइए। यानी वहां पे जो जो मेजर हो रहा है वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन। आप अपने जिंदगी के बैड पैचेस को कैसे डील करते हो वो डिटरमाइन करता है आपका AQ यानी एडवर्सिटी क्वेश्चन। कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूं आपको। इंडिया में लव इन फेल्योर की वजह से रोज 12 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये सुसाइडल और सुसाइडल टेंडेंसीज को लेकर स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं मैं। फेल्योर इन लव की वजह से इंडिया में रोज 12 लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे, 7 मैरिड लोग ऐसे हैं कि जो एक तो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या डिवोर्स ले रहे हैं आप बोल सकते हैं, या फिर उनकी मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो रही है। वो है 7 ऐसे लोग जो डेली बेसिस पे 7 डिवोर्स की केसेस फाइल होना बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे 5 लोग सुसाइड इसलिए कमिट करते हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और साल 2 साल 3 साल उनका पेशेंस खत्म हुआ है, एंड दे आर रिसोर्टिंग टू कमिटिंग सुसाइड्स यू कैन से। यानी इंक्रीजिंग सुसाइडल टेंडेंसीज को लेके अभी जो स्टैटिस्टिक्स बताया वो यही प्रमाणित करता है कि आपका AQ लेवल जो है वो शायद बेहतर है। आपके लाइफ का ये पैचेस है, वहां पे लाइफ खत्म तो नहीं हो जाती ना। आप देखेंगे कि लव को लेके जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको बताया, लव फेल्योर इन लव, जिसकी वजह से लगभग 11 या 12 का फिगर मैंने आपको बताया, 12 लोग रोज अगर इसको लेके आत्महत्या कर रहे, और ये सब यंगस्टर्स होते हैं, जिंदगी देखी कितनी है यार। और बाद में आप थोड़ा उस पर्टिकुलर पैच को ठीक से टैकल कर लोगे ना, आप कुछ साल बाद हंसोगे कि यार इसके लिए मैं पागल था। और ये ऐसे इंसिडेंसेस तो आज यानी इतने सारे देखने को मिलते हैं कि यार जो चीज आपको बहुत यानी रेयर या यूनिक लगती है स्कूल एज में या कॉलेज एज में, बाद में जाके वो लगता है कि यार अच्छा हुआ है ना। सो यू इट इज ओनली अबाउट हाउ मैच्योरली यू आर टैकलिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आप बस वो मोमेंट, वो पर्टिकुलर पैच कैसे डील कर रहे हो, दैट इज वॉट डिफाइंस योर एडवर्सिटी क्वेश्चन। देखिए, 4 सेलिब्रिटीज आपकी स्क्रीन पे है, वरुण धवन, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और धर्मेंद्र। इन ये सबको, ये सब डिप्रेशन के शिकार थे, इनमें इनको एक्यूट डिप्रेशन था, और आज ये सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में यार ये सबको सेलिब्रिटीज है, और आज इनका फैन फॉलोइंग आप चेक करिए। पर हर एक के लाइफ में ये ऐसे पैचेस आते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट हाउ हाउ स्मार्टली एंड मैच्योरली यू टैकल दोस पर्टिकुलर पैचेस। पर गेटिंग डाउन टू अवर डिस्कशंस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आज की लेक्चर का कोर टॉपिक है, पहले बात करते हैं इमोशन की। इमोशन इज नथिंग बट अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड। इट्स अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कि आपका जो एक नेचुरल क्या बोलते हैं, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ इन अ नेचुरल वे, एंड इफ इट गेट्स डिस्टर्ब तो योर योर ब्रेन इज गोइंग टू एग्जिबिट सम सॉर्ट ऑफ इमोशंस, एंड दैट डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड इज कंसिडर्ड एज इमोशंस। और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये बेसिक 7 प्रकार की इमोशंस है, ये बेसिक लेवल्स है आपके, प्रकार है इमोशंस के, जिसमें एंगर, फियर, एंजॉयमेंट, लव, सरप्राइज, डिस्गस्ट यानी तिरस्कार जिसको हम लोग कहते हैं, और बाद में शेम।
ये बेसिक इमोशंस है जो हर एक नॉर्मल आदमी एग्जिबिट करता है, और आप इनकी छटाई अगर देखते हो, एंगर की छटाई यानी क्या, बहुत ज्यादा गुस्सा, कम गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा यानी हाथ में जो है वो फेंक के मारना, कम गुस्सा यानी बातचीत बंद कर देना, वैसे ही डर कि किसी को पसीने छूट जाते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे कि लेक्चर देने से पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, किसी गेस्ट लेक्चर के लिए आप जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो भी तो एक फियर का ही एक प्रकार है, और वैसे ही बहुत ज्यादा फियर। तो ये अलग अलग छटाएं हैं ये बेसिक आपके इमोशंस की, और ये बेसिकली अगर आप इसको काउंट करते हो तो 150 प्रकार की इमोशंस एज ए ह्यूमन बींग हम लोग एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। 150 प्रकार के इमोशंस हम कॉमन ह्यूमन बींग एग्जिबिट करते हैं इन अ गिवन डे एट डिफरेंट सिचुएशंस। ऑब्वियसली ये कुछ जो मैं छटाई की बात कर रहा था, आप देख सकते हो, एंगर, फ्यूरी, आउटरेज वगैरह वगैरह, मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको जो किताबें बताई है उसमें ये सब दिया हुआ है डिटेल में। मैं तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ छटाए है बेसिक आपके इमोशंस की। देखिए, इमोशंस दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव इमोशंस और निगेटिव इमोशंस। और अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो इमोशनल इंटेलिजेंस की वन ऑफ द डेफिनेशन आप बोल सकते हो। देखिए, ऐसा कहते हैं कि एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स एक दिन में हमारे माइंड में इरप्ट होते हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये 60,000 में से लगभग 70% विचार जो है वो निगेटिव होते हैं, कि यार सिग्नल नहीं मिला तो, काम वाली बाई नहीं आई तो, वगैरह वगैरह। ये जो नो वाला है ना, यानी निगेटिव इमोशन जिसको कहते हैं, निगेटिव थॉट्स आप जिसको कहते हैं, ये हम लोगों पे हावी ज्यादा होते हैं पॉजिटिव थॉट से। और बेसिक डेफिनेशन जो है उसके रूट्स यहाँ पे लाए होते हैं। एक एग्जाम्पल, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये शेयर कर रहा हूँ। देखिए, नेपोलियन को लेके एक किस्सा है। नेपोलियन आपको मालूम है दुनिया जीतने चला था, और कंट्री बाय कंट्री वो जाता था और वो अक्वायर करता था। किसी एक पर्टिकुलर छोटा सा एक टापू था, वो टापू पे वो अपने सैनिकों के साथ गया उसको अक्वायर करने के लिए, ऑब्वियसली जीतने के लिए। तो जब ये जहां से वो वहां पे वो बैठ के टापू पे आए, वहां पे जब ये उतर रहे थे तो नेपोलियन का वहां पे पैर फिसला बोट से उतरते वक्त, और वो गिर गए। और इसके जो साथी थे, सैनिक थे, इन्होंने नेपोलियन साहब को कहा कि साहब ये अच्छा शगुन नहीं है, इज नॉट ए गुड ओमेन जिसको कहते हैं, कि सर मुझे नहीं लगता, हम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पे अपना कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप आए बराबर ही यहाँ पे गिर गए। तो नेपोलियन साहब ने इसी सिचुएशन पे जवाब ये दिया था कि यार आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पे गिरा हूं, इसका मतलब ये है कि यहाँ की धरती माँ मुझे बोल रही है कि आ जाओ बेटा, ये धरती भी तेरी ही है, ये देश भी आज से तेरा ही है। यानी क्या, सिचुएशन एक ही है पर उसको देखने का नजरिया सैनिकों का अलग था और नेपोलियन का अलग था। यानी यहाँ पे क्या, मैच्योरिटी झलकती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस की जो एक डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि आप अपने निगेटिव इमोशन को कैसे टैकल करते हो स्मार्टली, दैट इज व्हाट योर इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस इज। सो फाइटिंग विथ निगेटिव थॉट्स, दिस इज डेफिनेशन नंबर वन। एज यू कैन सी, फाइटिंग विथ निगेटिव इमोशंस इज इक्यू। ऐसे एक एक करके मैं आपको 6 से 7 पहलू बता रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस यानी क्या, और फिर हम लोग चाहेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में। आपके सामने एक इलुस्ट्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स ओपन रख रहा हूँ, प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए, ट्रेन ट्रैक एंड चिल्ड्रन का एक स्टोरी है जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, एक लाइव ट्रैक है, यानी ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं वो दो है आजू बाजू में, एक है लाइव ट्रैक जहां से ट्रेन आती है और जाती भी है, और दूसरा है एक डेड ट्रैक उसके ठीक बाजू में। लाइव ट्रैक पे बहुत सारे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, और डेड ट्रैक पे एक बच्चा खेल रहा है जो छोटा है। ओके, अभी थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है, ऑब्वियसली वो लाइव ट्रैक पे ही आएगी, और लाइव ट्रैक पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और आप वहीं पे हैं, और आपका ध्यान जाता है कि बच्चे खेल में मशगूल है लाइव ट्रैक पे, और उनका ध्यान नहीं कि ट्रेन आ रही, पर आपका ध्यान गया है कि आपको दिख रहा है ट्रेन आ रही है। और
आप ऐसी जगह खड़े हैं कि जहां पे वो एक इंटरचेंज होता है कि जहां पे आप वो ट्रेन का रूट बदल के डेट ट्रैक पे डाल सकते हो, जहां पे एक बच्चा खेल रहा है। और आप बच्चों के पास तो नहीं जा पा रहे हो, पर आपको अभी आपको जो करने के लिए चॉइस है वो है कि आपको वो नॉब जो है वो खींच के ट्रेन का रूट चेंज करना है कि नहीं करना है, ये डिस्क्रिप्शन आपको लेना है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी सिचुएशन में आप वो ट्रेन का रूट चेंज करोगे, यस और नो? ये जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं और मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा है, प्लीज मार्क करिए अपना जवाब। यस अच्छा, जगेश्वर सर बोल रहे हैं कि ट्रेन का रूट चेंज कर देना चाहिए, और जवाबों का वेट कर रहा हूं मैं चैट बॉक्स में, यस या नो करिए। ओके, ओके, ओके। मैक्सिमम लोगों का जवाब नो आया है कि हमने वो ट्रैक, वो जो ट्रेन है उसका रूट चेंज नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले जिन्होंने सबने नो का जवाब दिया है उनको अप्रिशिएट करूंगा, और आपका सबका इक्यू लेवल भी अच्छा है, ये इससे प्रतीत होता है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, लाइव ट्रैक पे ट्रेन आ रही है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, में अभी वो बच्चे खेल रहे हैं लाइव ट्रैक पे, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन्होंने वो अलर्ट रहना चाहिए और ट्रेन कभी भी आ सकती है, शायद उनको थोड़ा तो भी अंदेशा होगा। और अगर आप वो ट्रेन का रूट चेंज करके उसको डेट ट्रैक पे डाल देते हो, तो वो बच्चा तो वैसे भी इतना निर्धास्त है कि उसको मालूम है कि कुछ भी किया तो भी ट्रेन तो यहाँ पे आने से रही। यानी में अभी आप उसको अगर डेट ट्रैक पे डाल देते हो तो उसमें सबसे बड़ी संभावना ये है कि वो डेट ट्रैक है, वो उपयोग में नहीं है, मालूम नहीं वो आगे जाके कहाँ पे खत्म होगा। यानी में और आपके ट्रेन में जो यात्री बैठे हैं उन सबकी जान थ्रेट में आ जाएगी। और इससे ये एक्चुअली ये इक्यू की ही एक केस स्टडी मानी जाती है, और जब मैंने ये पहली बार अटेंड किया था इक्यू का सेशन, इसमें भी हम लोगों को यही एक्सरसाइज दिए थे इक्यू लेवल को समझाने के लिए, इक्यू याने क्या, और ये बेसिकली एक इलिस्ट्रेटिव केस इसको माना जाता है। और जिनका ईक्यू लेवल अच्छा होता है, हमारे ट्रेनर ने हमको बताया था कि जिनका ईक्यू लेवल अच्छा होता है वो आंसर नो देते हैं, और इंसिडेंटली मुझे जो आज आंसर आए हैं ये सब नो है। ये और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। आप थोड़ा सा, जिनको इंटरेस्ट है ऑब्वियसली वो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको नरेट कर देता हूँ। और फिर सेकंड डेफिनेशन, ये दो एग्जाम्पल जो ले रहा हूं मैं, ट्रेन ट्रैक वाला और मार्शमेलो का, इसी के सपोर्ट के साथ मैं आपको सेकंड डेफिनेशन समझा दूंगा। बात कर रहे हैं हम लोग मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट की। मार्शमेलो ये आप कुकीज बोलिए या चॉकलेट आप कंसिडर कर सकते हो इसको अपनी भाषा में, इंडिया के सेंस में। इसमें ना ये एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट था, और आप जिसको स्क्रीन पे देख रहे हो ये रियल लाइफ पिक्चर्स ही है। ये बच्चे वहां पे बैठे हैं और इनको, इनकी ये टीचर थी जो एक्चुअली रिसर्चर थी, ये एक्सपेरिमेंट में काम कर रही थी, उन्होंने ये बच्चों को मार्शमेलो दिए, दोनों को एक एक दिया। मार्शमेलो यानी आप एक केक समझ के चलिए, छोटा सा केक या पेस्ट्री समझ के चलिए, दोनों को एक एक दिया। और वो टीचर इनको बोली कि अभी मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं 15 मिनट बाद आऊंगी, ओके? और अगर आप 15 मिनट तक ये केक नहीं खाओगे तो मैं आपको और एक केक दूंगी, और इतना कह के वो चली गई। अभी ये रियल लाइफ जो केस यहाँ पे दी है और यूट्यूब पे भी आई है, उसमें ये दिखाया गया है कि ये जो लड़का है ग्रीन टी शर्ट में, इसने वो केक नहीं खाया। ये जो छोटी बच्ची है इसको बच्चे को बार बार बोल रही, टीचर मालूम नहीं कब आएगी, एक काम करते नहीं यार ये दिख रहा खा लेते हैं, इसको कहते हैं टेम्पटेशन या ग्रेटिफिकेशन। और ये बच्चा उसको बोल रहा है ग्रीन शर्ट वाला कि तू तो थोड़ी देर थोड़ा कंट्रोल कर लेना, फिर दो मिलेंगे ना हम लोगों को। तो वो बोल रही नहीं, आई जस्ट कांट स्टॉप माई सेल्फ नाउ, आई कांट रेजिस्ट, और वो केक खा लेती है। पर ये जो बच्चा है वो ये केक नहीं खाता है, टीचर आके देखती है और उसको सही में दूसरा केक देती है। अभी ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे स्कूल के बच्चों पे ये सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, ये जानने के लिए कि ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं वो कंट्रोल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अभी इन्हीं बच्चों को जिनको ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाया गया था,
ये जब बड़े हुए इनको ना फॉलो किया गया, ऑब्जर्व किया गया, बड़े होने के बाद इसमें से ये लोग क्या कर रहे हैं ये देखा गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सामने आया कि जो बच्चों ने वो केक डिफाइंड पीरियड में नहीं खाया था और अपनी भूख को या अपने टेम्पटेशन को रोक के रखा था, कंट्रोल करके रखा था, वो बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल है इन कंपैरिजन विद दोस हु हैवंट कंट्रोल्ड themselves eating those particular marshmallows। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ये दो एग्जाम्पल्स को और एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आपको भी मालूम है ये पिछले साल की बात है, 2019 में 25 को, और ये बड़ी न्यूज भी थी, हर न्यूज चैनल पे दिखाया गया था। ये आपको याद दिला देता हूं मैं कि ये हुआ क्या था। एक एक्सीडेंट हुआ था, ये एक कोचिंग क्लासेस थे, ये ऊपर के फ्लोर पे आप देख रहे हो, ये ऊपर के फ्लोर पे कोचिंग क्लासेस चलते थे, और ये बिल्डिंग को आग लग गई थी ऊपर के फ्लोर पे ही, और ये इसमें कुछ बच्चे मर गए थे। आप देख सकते हो 20 बच्चों की जान गई थी इसमें, ये पर्टिकुलर इंसिडेंस में, प्राइवेट कोचिंग क्लास में। अभी इसके बाद जो न्यूज में आया था वो ज्यादा शॉकिंग था। ये देखिए, ये जो 20 बच्चे मरे थे, ये 20 बच्चे आग की वजह से नहीं मरे थे, फिर में ये बच्चे आग की वजह से नहीं मरे थे, ये बच्चे पैनिक की वजह से मरे थे। यानी इनको, ये बच्चों को जब पता चला कि बिल्डिंग को आग लगी है, तो ये बच्चों ने ऊपर से नीचे छलांग मारी थी, और उसमें उसकी वजह, वो एक वजह बताई गई थी कि वो उसकी वजह से मरे थे, आग की वजह से नहीं। अभी ये जो यहाँ पे एक क्लासरूम थी जिसमें से 20 मरे थे और बाकी जो बच्चे नहीं मरे थे, यानी जो बिल्कुल क्या बोलते, शाबूत थे, बिल्कुल सेफ जिसको हम लोग कहते हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया और उनको पूछा गया कि यार क्या हो गया कि ये बच्चे, 20 बच्चों ने छलांग मार ली और आपने नहीं मारी। उसमें ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बताया कि सर सब जगह हड़बड़ मची हुई थी, मालूम नहीं कौन किधर क्या भाग रहा है, सब पैनिक हो गए थे, और उसी पैनिक में ये बच्चों ने छलांग मार ली कि अब लोग, हम लोगों का बचना मुश्किल है। और जो ये बच्चे सेफ थे, उन्होंने बताया, उनको पूछा गया कि आपने क्या किया ऐसे सिचुएशन में, उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हमने सर को ढूंढा कि हमारे सर कहाँ है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ा रहे थे, तो हमने ढूंढा कि वो कहाँ पे है, और हम लोग उनके पास गए और उन्होंने जैसा बताया वैसा हमने किया। और वहां पे एक ऐसी जगह थी सेफ कि वहां पे वो, और ऐसा मैंने न्यूज, वो जो आर्टिकल्स आया है इसके ऊपर न्यूज़पेपर के, उसमें ये लिखा गया है कि ये बच्चे जहां पे थे वही शायद सबसे सेफ जगह थी वो पर्टिकुलर बिल्डिंग में। यानी क्या, ये बच्चों ने सिर्फ पैनिक, यानी उनको वो पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक से टैकल करते नहीं आया, और वो पैनिक की वजह से उन्होंने ऐसी स्टेप ले ली कि जो उनको नहीं लेना था, और वो जो बच्चे सेफ थे वो शायद उस वक्त उन्होंने वो सिचुएशन को स्मार्टली टैकल कर लिया। देखिए, ये तीसरा पहलू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रैशनल माइंड, यानी समझदारी वाली चीज है यहां से आती है, और दूसरा होता है इमोशनल माइंड, जहां से हमारे इमोशंस एग्जिबिट होते हैं। रैशनल माइंड जो लॉजिक बताता है, प्लानिंग करता है, डिसीजंस लेने में हम लोगों को सहूलियत करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रैशनल। रैशनल यानी समझदारी वाली बातें, और दूसरा है इमोशनल माइंड। ये दोनों की दोस्ती को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की एक जो बेसिक डेफिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, इट्स अ हार्मोनियस कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ दिस टू पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, द थिंकिंग पार्ट एंड द फीलिंग पार्ट। कि यहाँ पे वो जो बच्चे सेफ थे, वो बचने का कारण क्या था कि इमोशन, पैनिक तो वो भी हो गए थे, वो हो गए इमोशन, दूसरा समझदारी वाली बात, यानी इस पैनिक में करना क्या है वो कमांड आती है आपके रैशनल माइंड से। वो जितना स्ट्रांग होगा उतना वो आपके फीलिंग पार्ट को कंट्रोल करेगा। यानी ये दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी जितनी तगड़ी होगी उतना इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है। और जो बच्चों ने छलांग मारी उनका शायद थिंकिंग पार्ट जो था वो कमजोर था, और फीलिंग पार्ट यानी पैनिक होना वो हावी हो गया समझदारी वाले डिसीजन लेने के कंपैरिजन में, और इसीलिए उनका ऐसा कहा जाता है कि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस शायद वहां पे कम हो गया, या फिर एडवर्सिटी क्वेश्चन जिसको हम लोग कह रहे थे कि ऐसे सिचुएशन में टैकल क्या करना है, कैसे करना है, ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता है जेडी में। और वो थिंकिंग पार्ट जिसका स्ट्रांग होता है और जो फीलिंग पार्ट को भी बैलेंस कर देता है, ऐसे लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल जो है वो साउंड होता है। मैं ये थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, एक वीडियो है, पर फॉर द टाइमिंग हमारे पास टाइम कम है। मैं तीसरी डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको,
इमोशनल इंटेलिजेंस की, मैनेजिंग योर इमोशंस इन एन इंटेलिजेंट वे, या फिर स्मार्टली अपने इमोशंस को मैनेज करना, यानी इमोशनल, आप देखेंगे ना इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे दो टर्म्स है, एक है इमोशन और दूसरा इंटेलिजेंस, यानी क्या इंटेलिजेंटली या स्मार्टली अपने इमोशंस को मैनेज करना, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहा है अमिताभ बच्चन का, ये काला पत्थर नाम की एक मूवी आई थी मेरे ख्याल से 1982 में ये मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, बड़ी स्टार कास्ट थी इसमें, और ये पॉपुलर भी हुई थी, हिट हुई थी उस जमाने में मूवी। और उसी का एक सीन मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइमैक्स का सीन है ये, जहां पे अमिताभ बच्चन ने इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कैसे एग्जिबिट किया था। आपने अगर देखा होगा तो शायद आप मुझसे, मेरे साथ जो मैं अभी नरेट कर रहा हूँ, बेटर रिलेट कर पाएंगे, पर जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीन क्या है। आपको भी मालूम है कि कोयले की खदान पे जो मजदूर होते हैं उनकी लाइफ पे ये स्टोरी बेस्ड थी, और यश चोपड़ा साहब की ये मूवी थी, और ऐसा कहा जाता है कि ये रियल लाइफ स्टोरी थी, ऐसा इंसिडेंस कहीं हुआ था इंडिया में, और यश चोपड़ा जो है वो बड़े विचलित हो गए थे उस इंसिडेंस को लेकर, और उनको लगा कि यार ये सबको पता चलना चाहिए, और उन्होंने वही एक प्रीमाइस लेके मूवी बनाई थी काला पत्थर नाम से। अमिताभ बच्चन वहां पे मजदूर करके वो माइन में काम करता है, और शशि कपूर जो सुपरवाइजर है माइन का वो दिखाया गया है। और होता ऐसा है कि ये मजदूर लोग जो खान में काम कर रहे हैं वहां पे पानी चला जाता है, धीरे 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 पानी का जो मात्रा है या लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो ये मजदूर जो है वो पैनिक होके बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाए गए हैं क्लाइमैक्स के सीन में। और एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि अमिताभ और शशि कपूर ये मजदूरों को बचाने के लिए अंदर जाते हैं एलिवेटर से, और अमिताभ एक साइड में जाता है और शशि कपूर दूसरी साइड में निकल जाता है। अमिताभ ढूंढते ढूंढते मजदूरों को एक जगह जाता है, और वहां पे उसको 6-7 मजदूर दिख जाते हैं जो फंसे हुए हैं, और उनको निकालने के लिए अमिताभ लीड करता है, और वो पानी की लेवल धीरे 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 लेवल बढ़ी रही है, और अचानक से वो एक जगह ऐसे जगह आके फंस जाते हैं वो माइन में, कि जो रास्ते से वो आ रहे उसके ठीक सामने जहां से उनको बाहर निकलना है उसी उसी रास्ते पे एक बड़ा सा पत्थर आके गिर जाता है, और वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और पानी का जो क्या बोलते हैं प्रवाह है वो बढ़ते जा रहा है, और वो लेवल बढ़ती जा रही है, और ये वहां पे एंटेंगल हो चुके हैं, फंस गए हैं, ऐसे दिखाया गया है। अभी सब लोग वहां पे, वो जो इसके साथी है अमिताभ के मजदूर लोग, वो बातें करना शुरू कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि हमारा बचना अभी तो मुमकिन ही नहीं है, रोना शुरू एंड ऑल, और पैनिक में जो करते हैं वो सब बॉडी लैंग्वेज वैसी। और अमिताभ को उस वक्त थोड़ा सा कूल दिखाया गया है, और वो जस्ट अंदाजा लेता है, क्योंकि माइन ही है वो, कोयले की दीवार है पूरी, तो वो कोयले की दीवार को कान लगाता है, और वो मजदूरों को कहता है कि जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं कि ये दीवार के पीछे, यानी कोयले की दीवार के पीछे पानी ही पानी है, इतना पानी, समंदर जैसा पानी, और वो कहता है कि हम लोग इस दीवार को तोड़ेंगे, और पानी का बहाव बड़े फ्लो से अंदर आएगा, और सामने जो पत्थर आके पड़ा है वो उस पर्टिकुलर प्रेशर की वजह से वो पत्थर पत्थर निकल जाएगा और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। हाँ जरूर, थोड़ी देर के लिए हम लोग पानी में रहेंगे, पर वो मोमेंट अगर हम लोग संभाल लेंगे तो शायद जिंदा हो जाएंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और सही में वो वहां से वो कुराट लेता है उनका इंस्ट्रूमेंट, और वो तोड़ना शुरू करता है, और सही में अमिताभ जैसा कहता है कि वो इतने फ्लो से पानी आता है कि वो रास्ते का पत्थर जो है वो निकल जाता है, और वो ये सुखरूप बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि हाउ स्मार्टली यू आर टैकलिंग द सिचुएशन, दैट इज व्हाट इज टिपिकली कंसिडर्ड एज ईक्यू। और बॉलीवुड मूवीज में जो हीरो दिखाए जाते हैं ना, ये मोस्टली हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के एक परफेक्ट एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हो। जैसे आपने बाहुबली देखा होगा, बाहुबली का कॉम्पिटिंग जो काउंटर पार्ट है वो है भल्लाल देव। आपने देखा होगा कि बाहुबली राजा, उसका राजा पद जो है वो निकल जाने के बाद भी लोग उससे ज्यादा प्यार कर रहे हैं भल्लाल देव से नहीं, जो एक्चुअल राजा बन चुका है। उसका कारण ही वही है कि बाहुबली के पास इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा है, बाहुबली आपने भल्लाल देव के पास शायद। जितने भी आप बॉलीवुड के सुपर मूवीज देखेंगे ना, उसमें आपको हमेशा दिखेगा कि हीरो का जो कैरेक्टर है उसमें ना इमोशनल क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता ही है, कि उसके डिसीजन लेने का, सोचने का तरीका ही अलग है, लोग उसके उससे प्यार ज्यादा करते हैं क्योंकि वो लोगों की मदद करता है एंड ऑल। तो वो परफेक्ट पैकेजेस मुझे लगते हैं हमारे बॉलीवुड के हीरोज
और हर मूवीज में वो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। मैं डेफिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस इज योर एबिलिटी टू कंबाइन इमोशंस एंड रीजनिंग टू मेक इफेक्टिव डिसीजंस। ये भी रियल लाइफ केस है। आपको मालूम है कि 26/11 का क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। आपको भी मालूम है कि ताज होटल पे हमला हुआ था, कसाब वाला मैं बता रहा हूँ। और आपको मालूम है कि पिछले साल मेरे ख्याल से कुछ 10 साल हो गए इस इवेंट को, और एक इंटरव्यू आ रहा था न्यूज चैनल पे कि वो अपनी रियल लाइफ स्टोरी बता रहा था, क्योंकि वो इसका एक आप बोलिए कि जिसने एक्सपीरियंस किया था ये सब। जब घटना हुई थी उस वक्त वो भी उसी रास्ते में कहीं जा रहा था, एक ड्राइवर था वो, और वो अपना किस्सा बता रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। वो नरेट कर रहा था, वो किस्सा मैं आपको बताता हूँ, और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो बंदा बता रहा था, वो ड्राइवर था एक्चुअली, और उसके साहब कहीं पे खो गए थे। वो सब जो अफरा तफरी चल रही थी, और वो अपनी गाड़ी के पास आ रहा था बंदा, तो उसने देखा कि वो जो थे शूटर्स वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, और एक गोली इसको भी लग जाती है, हाथ को, उंगली को लग जाती है, और उंगली कट के निकल जाती है उसकी गोली। और वो कार में है, जैसे तैसे वो कार में बैठता है, और वो शूटर्स वहां से वो छुप जाता है, और वो शूटर्स वहां से निकल जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, और वही उसी रास्ते से वो वापस आ रहे होते हैं, और वापस आते आते वो ये चेक कर रहे होते हैं कि कोई जिंदा बचा है क्या। तो इसका ध्यान जाता है कि ये देखते देखते आ रहे हैं, और जो जहाँ ये हलचल लग रही है ये शूट कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि यार अभी मुझे भी ये शूट करेंगे। तो वो बंदा क्या करता है कि उसके हाथ में से जो खून निकल रहा है वो अपने सर पे लगाता है, पूरा ऐसे सर के ऊपर ऐसे पूरी धार छोड़ता है, सो दैट उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। और वो शूटर्स वहां से आते हैं और वो देखते हैं उसको उठा के कि पूरा चेहरा लथपथ है खून से, और वो निकल जाते हैं उसको छोड़ के। यानी क्या, आप जस्ट पल भर के लिए सोच सकते हो कि उसने वो पर्टिकुलर मोमेंट को ठीक से टैकल नहीं किया होता तो वो नहीं बचा होता। उसको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सोचा कि करना क्या, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये बताता है उस वक्त डर, ये आपकी इमोशन है जो हावी हो रही थी, पर आपने उस इमोशन को स्मार्टली टैकल कर लिया। दैट इज व्हाट द इमोशनल इंटेलिजेंस इज। म्हणजे आपण ज्याला समय सूचकता म्हणतो, प्रसंगावधान मराठीत ज्याला म्हणतो, हे बेसिक इमोशनल इंटेलिजन्स एक मूळ मानता येईल। ह्या मोठ्या ट्रेंडी टर्म्स आहेत इमोशनल इंटेलिजन्स वगैरे फॉरेन कॉन्टेक्स्ट साठी, पण आपल्या इथे लहानपणापासून जे शिकवत आलेले आहेत आपल्याला की यार सगळ्यांशी मिळून मिसळून राहा, या फिर प्रसंगावधानासाठी आपल्याला, म्हणजे हमारे टेक्स्टबुक में ही तो कितने सारे ऐसे लेसन्स रहा करते थे। मुझे अभी भी याद है बचपन में स्कूल में कि कोई एक छोटा सा कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे टैकल करता है, और हीरोइक होए, और उसको रियल लाइफ कोई ब्रेवरी अवार्ड मिला हुआ है, और टीवी शोज में भी ब्रेवरी शोज आते थे उस जमाने में। ये इसीलिए क्योंकि हमारे को स्कूल में सिलेबस में ये सब चीजें नहीं थी, फिर हमको ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा कुछ होता है जो रियल लाइफ में ज्यादा काम आता है, ब्रेवरी अवार्ड्स वगैरह किस लिए। तो ऑब्वियसली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को एक तो ट्रेनिंग का आप बोलिए इनफॉर्मल ट्रेनिंग, या फिर उसको अवार्ड करने के लिए। मैं पांचवी डेफिनेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की। इक्यू इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस प्रॉपरली, कि आप में जो इमोशंस है वो आप प्रॉपरली एग्जिबिट कर रहे हैं। आपने बहुत बार लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा होगा कि यार मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, पर वो यार हो गया कैसे लोग। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है कि आपने शायद इक्यू पे इतना काम नहीं किया है कि मी मुद्दाम नाही केलं, म्हणजे मला तसं नव्हतं म्हणायचं, म्हणजे मला म्हणायचं असं होतं, पण ते तसं निघून गेलं किंवा तसं ते प्रोजेक्ट झालं। दिस इज व्हॉट अ बेसिक प्रॉब्लेम विथ युअर इक्यू। यू कॅन से इक्यू इज मोर अबाउट एक्सप्रेसिंग युअर इमोशंस प्रॉपरली। इसके एक तो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ना, ये अधांतरी नाम से मराठी में ये एक नॉवेल है, जो मैंने उसी वक्त जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था उस वक्त मैंने ये पढ़ लिया था अधांतरी, और उसी वक्त इसी पर्टिकुलर टाइटल की एक टीवी सीरियल भी आ रही थी। ये 1991 की बात है जब मैं 10th में था। इसमें किस्सा दिखाया है, और वो टीवी सीरियल में भी दिखाया था, वो जस्ट मैं नरेट कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें हमारे ही प्रोफेशन का हीरो दिखाया है, यानी प्राध्यापक ही हीरो होता है उसमें। वो ना एक कॉलोनी में बदली होती है, उसकी ट्रांसफर होती है, और एक कॉलोनी में वो नया शिफ्ट होता है, और उस कॉलोनी में उसकी नजर जाती है एक लड़की पे, और उसको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ पार्टनर अच्छी रहेगी।
उस जब ये कन्विंस हो जाता है तब वो उसकी घर में जाता है, और दरवाजा खटखटाने के बाद इंसिडेंटली वो लड़की ही दरवाजा खोलती है, और लड़की ऑब्वियसली उसको पहचानती नहीं है, तो वो उसको सिंपली यही बोलता है कि आपके पापा घर पे हैं, मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो पापा को आवाज देती है, इनको बैठने के लिए बोलती है, पानी ऑफर करती है, और फिर पापा आते हैं, और फिर वो पापा से बात करता है कि सर मेरा नाम प्राध्यापक ये है, मैं हाल ही में इस कॉलोनी में शिफ्ट होके आया हूँ, मैं ये कॉलेज में प्राध्यापक करके काम कर रहा हूँ, और मैंने आपकी लड़की को देखा और मुझे लगा कि मैंने इससे शादी करनी चाहिए। देखिए ये आप सोचिए जरा, 1991 में ये चीज कितनी यूनिक होगी, आज शायद वो इतनी रिलीवेंट नहीं लग रही, पर 1991 में आप सोचिए, यहाँ से लगभग लगभग 30 साल पहले की बात, कि इतना प्रॉपरली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, यही एक यूनिक चीज थी उस जमाने में तो भी बॉस। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में 1993 में मूवी आई थी डर, इसमें एग्जैक्टली उल्टा दिखाया है। आपने ये मूवी देखी भी होगी, शाहरुख खान का जो कैरेक्टर दिखाया है, 3 घंटे में ये बता नहीं सकता जूही चावला को कि यार मैं तुझसे प्यार कर करता हूँ घड़ी में, और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। आपको 3 घंटे सफिशियंट नहीं हो रहे पूरी मूवी में घड़ी में, यानी क्या यहाँ पे ये जो बंदा है इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस इन अ प्रॉपर वे, एंड एट सेम टाइम दिस पीपल दिस प्राध्यापक, ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ये परफेक्ट केस में मानता हूँ कि अपने इमोशंस को प्रॉपरली एग्जिबिट कर दिया। मैंने ना उस जमाने में इतना सारा पढ़ा है ना, मैं खुद लाइब्रेरियन भी था उस जमाने में, मेरी खुद की लाइब्रेरी थी, और पढ़ने का शौकीन तो बचपन से ही रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लेक्चर्स में रिफ्लेक्ट भी होता है। और इस मोमेंट पे मैंने ये प्लान नहीं किया था, पर इस मोमेंट पे मुझे और एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, बप्पू काले, जो मैं तो बड़ा फैन था उनका, पूरे बुक्स का कलेक्शन मेरे पास था, उसमें से एक जो मैंने बहुत बार पढ़ी है उनकी नॉवेल, वो था मोड़ेन पण वाकणार नाही, त्याच्या मध्ये एक छोटी सी स्टोरी दिलेली है, उसमें ये कहा, यानी हीरो है जो कॉलेज में नया ज्वाइन करता है, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि उस जमाने रैगिंग इतनी तगड़ी तो नहीं होती थी, पर उसको जस्ट उसके सीनियर्स जो है उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं कि यार वो जो लड़कियां वहां पे खड़ी है उसमें जो ब्लू ड्रेस वाली लड़की है, जब उसको जाके तो उसका नाम पूछ किया। अभी आप ये जो स्टोरी बताई है 1970s की है, और आप इमेजिन कर सकते हो 1970 में किसी लड़की से जाके बात करके उसका नाम पूछना बहुत बड़ी बात होती थी, और उसके सीनियर्स उसको एज ए पार्ट ऑफ रैगिंग बोलिए उसको बोल रहे कि तू जा और वो लड़की का नाम पूछ किया। तो ये बंदा जाता है और सीधा वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की को बोलता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज में नया हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, और वो लड़कों की तरफ हाथ दिखाता है, वो जो लड़के हैं ना उन्होंने मुझे बोला है कि मैं आपका नाम पूछूं, तो क्या आप बताएंगी? आप नहीं भी बताएंगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने मेरा काम कर लिया है, आपका जो भी जवाब होगा मैं उनको जाके बता दूंगा। वो लड़की इतनी इंप्रेस हो जाती है उससे, और वो बोलते कि जा उनको बता कि मेरा नाम ये है। यह क्या, देखो सिंपल सी बात, पर दूसरा कोई लड़का पैनिक हो गया होता, पर लटपटाना एंड ऑल, यू आर सो फोकस्ड बॉय, तो जिनके ईक्यू लेवल हाई होती है ना उनके एक्सप्रेसिंग पावर सुपर बोल सकते हो आप। डेफिनेशन नंबर 6 पे मैं जा रहा हूँ, 7 मिनट है अपने पास, 6 मिनट है इनफैक्ट, मैं ये डेफिनेशन का पार्ट कवर कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर में कुछ और डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये और एक इश्यू, मेरे पास इसके कुछ वीडियोस भी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ टाइम, और ये हमेशा ही होता है, प्रीति मैडम को भी मालूम है इमोशनल इंटेलिजेंस के लेक्चर में ये 1.5 घंटा मालूम नहीं क्यों कम लगना शुरू हो जाता है, पार्ट अ पार्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन आंसर में, पर मैं ये एक पहलू बता देता हूँ कि आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप उसको कितना स्मार्टली टैकल कर रहे हो, आपके जो ऑब्स्टेकल्स है आपकी जर्नी के उसको आप किस तरीके से टैकल कर रहे हो, दैट इंडिकेट्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल। आप 3 इडियट्स देखा होगा, 3 इडियट्स में तो इतने सारे सीन्स है कि जहाँ पे आमिर खान का इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हाई है ये रिफ्लेक्ट ही होता है। आप जस्ट वो सीन याद करिए, शुरू शुरू में बिल्कुल मूवी के पहले 10 मिनट में ये सीन होगा कि जहाँ पे आमिर खान वो हॉस्टल में आता है, और जब उसके सीनियर्स रैगिंग लेने जाते हैं तो वो स्मार्टली उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल कर लेता है, और भी बहुत सारे सीन्स हैं, पर देखते हैं अभी क्वेश्चन आंसर में अगर कुछ आपकी तरफ से क्वेश्चन आते हैं उस वक्त मैं कुछ सपोर्ट करूंगा एग्जाम्पल्स देके। यहाँ पे एक वीडियो है जो जीता वही सिकंदर का, पर मैं फॉर द टाइम बिंग इसको स्किप कर रहा हूँ। डेफिनेशन नंबर 7 पे जाते हैं, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये ना एक प्रमाण है आपके मैच्योरिटी लेवल का, एग्जाम्पल के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही है सब, ये हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं है। देखिए ये दो बड़े सुपरस्टार अपनी अपनी कैटेगरी के बोलिए, एक बार ना नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू लिया था एक पत्रकार ने, और अमिताभ बच्चन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस वक्त सुपरस्टार था, आज भी है नो डाउट,
पर अमिताभ बच्चन एकदम पीक पे जब था ना अपने करियर के, उस पक्की ये बात है, पत्रकार ने नसीरुद्दीन शाह साहब को पूछा था कि अमिताभ बच्चन को लेके आपका क्या ओपिनियन है। तो नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि अमिताभ बच्चन का समांतर सिनेमा में विशेष योगदान नहीं रहा है, यानी कि जो 8 फिल्म्स है उसमें उनका कोई विशेष, उन्होंने अपने आप को सिर्फ कमर्शियल मूवीज तक ही सीमित रखा है। अभी उसी पत्रकार ने अमिताभ का इंटरव्यू लिया और उनको बताया कि नसीरुद्दीन शाह आपके बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं कि आपका समांतर सिनेमा में कुछ विशेष योगदान नहीं है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अमिताभ ने एक पॉज लिया और बोला कि इतना मुरझा हुआ कलाकार अगर मेरे बारे में ये ओपिनियन रख रहा है तो इसमें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर मुझे मंथन करना चाहिए, ये जवाब था। यानी सिचुएशन को देखो किस तरीके से, और उनपे ये एक्चुअली कड़ी प्रतिक्रिया थी नसीरुद्दीन शाह की तरफ से, पर उसको कितना विथ इज उसको टैकल कर लिया। यानी क्या ये मैच्योरिटी का लक्षण है बॉस, कि आप अननेसेसरीली किसी किसी विवाद में नहीं फंस रहे हो गड़ी में, और आपको भी मालूम है कि जवाब जो है वो आपका काम देता है, आपको आपकी बोली भाषा नहीं देती है बॉस। और शायद ये अमिताभ को बहुत पहले पता चल गया था। और इसी तरीके कुछ और एग्जाम्पल्स है मेरे अमिताभ की, ऐसे किस्से कि इसने अमिताभ को ये कहा, मैं शायद आने वाली स्लाइड्स में एक और किस्सा बता ही देता हूँ ना। अभी राजेश खन्ना और अमिताभ का किस्सा हुआ था। राजेश खन्ना उस जमाने में सुपरस्टार, आपको मालूम, पहला इंडिया का जेन्युइन सुपरस्टार राजेश खन्ना ही था। और अमिताभ बच्चन 1973-74 में जब जंजीर आई, उसके बाद फिर स्टारडम मिलना अमिताभ को शुरू हुआ। और ये बात है कुछ 80s के, लेट 70s, 80s, अर्ली 80s की बात है। उस वक्त पत्रकार ने राजेश खन्ना को पूछा था कि आज की डेट में तो आपका स्टारडम थोड़ा सा खतरे में दिख रहा है साहब, अमिताभ बच्चन नाम से कोई सुपरस्टार आया है अभी, तो आपका क्या कहना है। तो राजेश खन्ना ने कहा था कि ऐसे तो बहुत सारे अमिताभ मेरे करियर में आके और चले भी गए बोले, पर राजेश खन्ना का स्टारडम आज तक कोई हिला नहीं पाया है। अभी उसी पत्रकार ने अमिताभ को बताया कि राजेश खन्ना साहब का आपके बारे में ये मत है, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। अमिताभ का जवाब ये था कि देखिए इंडिया में सुपरस्टार ये जो पद है ये राजेश खन्ना साहब ने ही क्रिएट किया हुआ है, और वो इंडिया के पहले और आखिरी मुझे लगता है जेन्युइन सुपरस्टार है। देखिए कितना मैच्योरली वो चीज को उन्होंने टैकल कर लिया था, अदरवाइज तो झगड़े होने वाली बात थी। ऐसे ना बॉलीवुड के बहुत सारे किस्से हैं बॉस, इसको वो पूरी किताब लिखी जा सकती है इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल को लेके। सचिन तेंदुलकर के बड़े किस्से हैं, मोदी अपना महेंद्र सिंह धोनी के कितने सारे किस्से इमोशनल इंटेलिजेंस के, राहुल द्रविड़ कितने सारे एग्जाम्पल्स, विराट कोहली कितने सारे एग्जाम्पल्स है बॉस अपने इमोशनल इंटेलिजेंस। और मैंने जो पढ़ा है और महसूस किया ना, मैंने एक्चुअली टेक्स्ट बुक बहुत कम पढ़ा है IQ को लेके, मैंने ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू मुझे लगता है ज्यादा काम किया है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके। चर्चा तो चलती रहेगी, ये बस एक आखिरी एग्जाम्पल, आखिरी डेफिनेशन का पहलू मैं ले रहा हूँ क्योंकि 2:59, 1:59 यानी 1 मिनट है मेरे पास, जस्ट ये कंप्लीट करता हूँ मैं, फिर हम लोग ओपन कर देंगे सेशन आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। सचिन तेंदुलकर का एक किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस। किलर आया था मैं, किलर जमा जा रहे थे। किसी को ऑडियो ऑन है, प्लीज म्यूट करिए। हेलो, मेरे ख्याल से ये मैच 2003 की वर्ल्ड कप की मैच है, इंडिया पाकिस्तान की मैच है, और ये शुरू के कुछ ओवर्स थे। ओपनिंग में आपको भी मालूम है सचिन तेंदुलकर और विराट अपना वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग के लिए आते थे, और शोएब अख्तर उस वक्त बॉलिंग कर रहा था, और बाउंसर पे बाउंसर विराट अपने सहवाग को डाल रहा था, और सहवाग भी बड़ा परेशान हो रहा था वो बाउंसर की वजह से। और जब भी शोएब बाउंसर डालता था तो आपको भी मालूम है कि स्लेजिंग वगैरह ये सब तो चलता ही है क्रिकेट में, तो वो बड़े सार्कास्टिकली सहवाग की तरफ देखता था कि क्यों कैसी रही। तो समहाउ सहवाग ने एक बॉल तो खेल लिया और वो इस तरफ इस एंड पे आया, और सचिन तेंदुलकर फिर स्ट्राइकर एंड पे गया। अभी ये एंड पे जहाँ पे शोएब अख्तर था उसने सहवाग को बोला कि क्यों कैसी लगी। तो सहवाग का जवाब ये था कि यार तेरा बाप सामने खड़ा है, उसको बॉलिंग डाल के दिखा। और उसके बाद के इमिडिएटली नेक्स्ट बॉल पे सचिन तेंदुलकर ने, ये जो शॉट दिख रहा है ना, ये शॉट कवर्स सॉरी ये थर्ड थर्ड मैन की तरफ सिक्स मार के, ये बाउंसर था एक्चुअली, आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे भी ये है, और ये बड़ा पॉपुलर शॉट है यानी सचिन तेंदुलकर के करियर का, कि आपने थर्ड मैन की तरफ सिक्स मारा था।
और सचिन तेंदुलकर ने उसी सिचुएशन को बड़ी कूलली टैकल किया था। और उसको उसका कहना ये था सचिन तेंदुलकर का कि यार जवाब मुंह से थोड़ी नहीं देते हैं, जवाब आपके काम से देते हैं। तो सब लोग अपनी जबान ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं। यानी उसके बाद फिर यानी शोएब अख्तर ने उसके बाद तो कोई स्लेजिंग नहीं किया था क्योंकि जवाब मिल गया था, वो भी अनसेड बॉस। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ टिपिकल द मैच्योरिटी यू कैन से, कि आप अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए स्मार्टली सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। और वो जो सिचुएशन के जो प्रेजेंटेशन बना रहे काम नहीं कर दे। मॅडम मला वाटतं मी इथे थांबायला हवं, क्वेश्चन आन्सर्स घेऊन घेऊ थोड्या वेळ मॅडम। प्रीती मॅडम कुछ हाँ यस सर क्वेश्चन्स होंगे तो जरूर पूछिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेरीज। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अपने से ही रिलेटेड था खुद से, तो कुछ क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हैं सर से। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा टॉपिक था, शायद आज की नीड भी है। और हमें ऐसा लगता है कि जो एक आईटी एरा जो है इसमें कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है। यस सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेसिकली अपने स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अभी जो बेसिकली जो टाइम चल रहा है 7-8 महीने से और आगे आने वाले भी 3-4 महीने हैं, तो स्टूडेंट हमारे से पर्सनल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे स्क्रीन के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जनरली उनकी क्लासेस और हमारे क्लासेस जो हैं जो हम ले रहे हैं वो भी एक रूम में बैठ के ले रहे हैं और वो भी किसी रूम में बैठे हैं, तो उसमें क्या जो इंट्रैक्शन है जो लोगों का, जो हम क्लासरूम में दोस्तों से सीखते थे, फैमिली से सीखते थे, जो हमारे कॉलेज में आने के बाद जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता था वो अब नहीं हो रहा, तो हम इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली कैसे डील करें कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे जो आज मे बी वो स्ट्रेस में होंगे, शायद पेरेंट्स का स्क्रीन पे बहुत ज्यादा बैठते हैं, है ना। और फिर वही चीज मैंने कई बार फेस की कि अगर मैं 7-8 महीने तक किसी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, सडनली बाहर जाता हूँ तो मुझे एक अलग सा प्रेशर फील होता है। तो मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं कैसे इसको डील करूं, क्या उनको मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज या क्या मैं दिखा पाऊं उनको यहाँ बैठे बैठे भी घर पे कि शायद उनका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सिचुएशंस को बेटर टैकल कर पाए। और सेकेंडली क्वेश्चन मेरा सर ये है कि आपने एक एग्जाम्पल दिया था सूरत वाला जहाँ पे बच्चे पैनिक हो गए थे, तो उस केस में सर मुझे सिर्फ एक ही मतलब डिफ्रेंशिएट ये करना था कि जो 19 थे उसमें से 16 गर्ल्स थी। अच्छा अच्छा जो 19 स्टूडेंट थे उसमें से 16 गर्ल्स थी जो मरनी मतलब जिनका जो डेथ हुए थे टोटल, उनमें से 16 गर्ल्स, क्या मेल और फीमेल का इमोशन क्वोशेंट में डिफरेंसेस होते हैं? ठीक है, मैं एक एक करके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ सर। जी जी जागेश्वर सर प्लीज म्यूट करेंगे आप अपने केचे सर, तुमचा ऑडियो ऑन आहे। हाँ सर प्लीज कंटिन्यू। मी त्यांना इकडनं वारंवार म्यूट करते सर, तिकडनं ते ऑन करतात। सोशल क्वोशंट अच्छा आहे सर का? सर प्लीज कंटिन्यू। ओके अंकित सर ने केचे सर मैम इट्स रियली पोलाइट रिक्वेस्ट टू यू प्लीज वॉर्न हिम मैम दिस इज अ डेली सिचुएशन व्हिच वी फेस ड्यूरिंग द सेशन एवरी डे दिस हैपेंस। ओके मैम मैं ये होने देती हूँ सर का सेशन, उसके बाद मुझे जो इंस्ट्रक्शन देने उसमें ये भी पॉइंट भी ऐड कर देती हूँ। थैंक यू सर ने जो दो क्वेश्चंस पूछे थे उसका पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन एक्चुअली उन्होंने जो सिचुएशन बताई उसमें से मुझे ये पता चला, एक्चुअली वो मुझे लगता है कि ईक्यू से रिलेटेड तो नहीं है पर ये लॉकडाउन में जो एक मेंटल फटीग, मेंटल स्ट्रेस या फिर एक डिस्टर्बेंस आप बोलिए कि जिसकी वजह से सोशलाइज नहीं हो पा रहे आप, इसको कैसे टैकल करेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं तो कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं पर मैंने जो खुद किया है वो जस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ सर। ये एक हर आम आदमी का हो गया है कि आप सर ये जो सिचुएशन है ना ये टेम्पररी है सर, ये परमानेंट नहीं है,
और रतन टाटा साहब का कहना यह है कि 2020 जिंदा रहने का साल है, गेटिंग मी, अपने आप को आप उभारने का, अपडेट करने का टाइम है, सो दैट ये कोविड की सिचुएशन जब खत्म हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है ऐसा अभी लग रहा है, वैक्सीन वगैरह आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है, तो ये टेम्पररी समय है ऐसा टाटा रतन टाटा साहब का कहना है, और आपको ये जो पीरियड मिला है ये अपने आप को तैयार करने का पीरियड है, क्योंकि ये सिचुएशन खत्म होने के बाद जो बाहर का एनवायरनमेंट रहेगा उसके डायनामिक्स चेंज हो गए होंगे, और नौकरियों की डेफिनेशन, स्किल सेट जो है वो शायद अलग तरीके का लगेगा, और ये जो समय आपको मिला है फुर्सत, ये शायद आपको अपने आप को उभारने के लिए यूज करनी चाहिए। और मैं खुद अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर कि मैंने क्या किया पिछले 6-8 महीनों में, मैं रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का ट्रेनर हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा थी बहुत सारे सालों से कि मैं दुनिया के जो बेस्ट रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के ट्रेनर से उनको सुनूं, वो कुछ यूएस में बैठे, कुछ ऑस्ट्रिया में बैठे हैं, कुछ इंडिया में ही, दिल्ली, गुड़गांव, अपने यहाँ गुवाहाटी में अच्छे अच्छे ट्रेनर्स है, अपने यहाँ इवन डाउन इन साउथ भी बहुत अच्छे ट्रेनर्स है, और मुझे समहाउ मौका, मुझे पता तो चलता था वर्कशॉप है पर मैं संभव जा नहीं पा रहा था, पर कोविड की वजह से ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और मैंने पिछले 8 महीनों में लगभग 20 से 25 पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हुए हैं। यानी मैंने क्या किया, मैंने ये मुझे आइसोलेट होने का मौका ही नहीं दिया, मैं दिन में 3-3, 4-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, और मेरे करियर में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे मैंने पिछले 8 महीने में लेक्चर्स कम लिए और लेक्चर्स ज्यादा सुने, ऐसा पहली बार हुआ, और मुझे लगता है ये शायद ऑनलाइन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू सी एंड परस्यू द सिचुएशन एज, कि आपको अकेलापन कब महसूस होगा, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, देन यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू ना। आज मुझे 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यार और एक प्रोग्राम मैं करना चाहता था एज ए पार्टिसिपेंट, पर मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ जैसे आपके साथ अभी 3 घंटे में यहाँ पे हूँ, 3 घंटे के लिए आपको मालूम है 5 घंटे जाते हैं, 1 घंटा पहले का, 1 घंटा बाद का, और उसकी प्रिपरेशन 1 दिन पहले, ये टाइम जा रहा है, पर फिर भी मुझे लगता है कि यार आई एम सो ऑक्यूपाइड कि मुझे लगता ही नहीं मैं अकेलापन महसूस हो रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, या फिर डिप्रेशन आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट अलाइंग यूर सेल्फ टू लैंड इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज यू आर सो ऑब्सेस्ड विथ यूर अपडेशन एंड ऑल। सो सर मेरा कहना यही कि आप स्टूडेंट्स को दिशा तो दिखा दीजिए कि यार अपना जो सिचुएशन है आने वाले 6 महीने पर डायनामिक्स क्या रहेंगे, इंडस्ट्री के डायनामिक्स क्या रहेंगे, वो स्टूडेंट्स है ना, ऑब्वियसली करियर करने के लिए तो सीख रहे हैं, तो उनके करियर के जो क्षेत्र है उसमें आने वाले 6 महीने के बाद क्या सिचुएशन रहेगी, उसमें स्किल सेट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वो एक बार असेसमेंट करिए और उसका डेवलपमेंट अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन मौका है आप घर में बैठ के, बेडरूम में बैठ के चाय पीते हुए दुनिया के बेस्ट स्पीकर को सुन पा रहे हो, और वो भी 100-200 रुपए में। मुझे लगता है इससे बड़ा चांस, इससे बात तो कभी नहीं आने वाला। इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू सी एंड परसीव द सिचुएशन एज, और वो उनके साथ ही होता है सर डिप्रेशन वगैरह, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, एक आपके पास मोटिव नहीं है, गोल नहीं है कि अचीव क्या करना है लाइफ से, आपको अगर वो डेफिनेशन क्लियर है कि व्हाट डू यू विश टू अचीव इन नेक्स्ट 1 year, 3 years, 5 years एंड डाउन द लाइन, तो मुझे नहीं लगता है बोर होना या फिर कोई डिप्रेशन होने का कारण है आपके पास। दूसरा जो सवाल था सर, लड़के और लड़कियों के EQ में फर्क होता है क्या, सर इसके ऊपर ऑलरेडी साइकोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, हो रहे हैं और हुए भी है, और साइकोलॉजी में रिसर्च करते वक्त एक वन ऑफ द मेजर डायमेंशन यही होता है कि मेल फीमेल कंपेरिजन करना, मैरिड अनमैरिड करना, बाद में रूरल अर्बन, ऐसे भी स्टडीज हुई है कि रूरल का ज्यादा होता है या अर्बन का ज्यादा होता है, एज वाइज भी किया गया है कि जो एज में कम होते क्या उनका EQ कम होता है, तो ऐसे इस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूंगा सर कि इसके अगर आप रियल लाइफ रिसर्च पेपर्स अगर निकालते तो उसकी फाइंडिंग मुझे ज्यादा रिलायबल लगेगी, क्योंकि वो इविडेंस बेस्ड रहेगा, मैं सिर्फ तर्क लेके, मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहिए। और जैसे आपने बताया सर, मेरे लिए तो एक वैल्यू एडिशन हो गया, 20 नहीं वो 19 थे, और 19 में से 16 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, तो एक अच्छा खासा इनसाइट आपने मुझे दे दिया। पर ये स्टडीज तो हुई है सर फॉर श्योर, साइकोलॉजी में बहुत कॉमनली होती है, क्योंकि मैं कंसल्टेंट भी हूँ रिसर्च का, मेरे पास ये ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आए हैं और मैंने किए हुए भी इसके ऊपर काम, पर मैं मुझे नहीं लगता कि ओपनली मैंने ऐसे कुछ कमेंट करना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ जेंडर स्पेसिफिक होगा वो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन।
एनी मोर क्वेश्चन? So I think there is no question. So sir, on behalf of all the participants and from our HRDC team, I am very much thankful to Dr. Ashish Linge sir for today's both sessions are interesting, having two different aspects, but naturally previous one was regarding our research and this is completely of soft skill. But both the sessions are informative. एंड ये सेशन ज़्यादा अच्छा इसलिए था क्योंकि ये अपने से रिलेटेड था, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा. पहले वाला भी अच्छा था सर. पहले वालाशी रिलेटेड जर पार्टिसिपेंट्सला अजून हवं असेल तर मी डिस्कस करते, मग आपण अजून एक लेक्चर घेऊया त्याच्यावरती. श्योर, नेक्स्ट टाइम अगर रिसर्च का हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है तो हमारे पास जो डाइवर्सिफाइड ऑडियंस है, कोई आर्ट्स के है, कॉमर्स के है, साइंस, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई एक कॉमन कॉमन टॉपिक लेके हम लोग डेफिनेटली कुछ वैल्यू एडिशन की सोच सकते हैं. जी सर, सर नक्की. ओके सर, सर थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, माई प्लेजर. थैंक्स फॉर पेशेंस लिस्निंग. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. सर यू कैन लीव द मीटिंग. आता मी यांना ना थोडे इन्स्ट्रक्शन्स देते आहे सेमिनारचे वगैरे. ओके राईट मॅम. ओके मॅम. फ्रेंड्स आय एम ऑडिबल टू यू? यस मॅम. ओके, सो आय रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू काइंडली ऑन युअर व्हिडिओ. जितने लोगों को पॉसिबल है अपना वीडियो ऑन करिए, घर में है, कॉलेज में है, कहीं पे भी है, बट वीडियो ऑन करिए. ऑडियो बंदस ठेवा, वीडियो ऑन करा. सपोज काही प्रॉब्लेम येत असेल नेट कनेक्टिव्हिटी मध्ये व्हिडिओ ऑन केल्यामुळे, त्यांनी नाही केला व्हिडिओ ऑन तरी चालेल. मला एकदा बघू द्या की पार्टिसिपंट्स कोण आहेत, इतके दिवस आपण बघितलंच नाही आहे एकमेकांना. अभी कम पार्टिसिपेंट्स है तो मैं अब ये सारे लोगों के साथ डिस्कशन कर सकती हूँ. बाकी भारती देशमुख मैडम, गजानन जाधव सर, केजे सर, आता पर्यंत एवढी बड़बड़ चालू होती, आता कुठे गेले? शिवानी खटकवार मैम. ओके फाइन सर. आता मला इन्स्ट्रक्शन्स, महत्त्वाचे इन्स्ट्रक्शन्स. आय स्पीक इन हिंदी सो दॅट सैनी सर विल अंडरस्टँड द थिंग. यस मॅम, हिंदी प्लीज. येस येस येस, डोंट वरी. सो द इम्पॉर्टंट पार्ट इज रिगार्डिंग अवर अटेंडन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ये लग रहा है कि मूडल में सुबह अटेंडेंस मार्क कर दी और दिन भर में लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो भी चलता है, बट दिस इज नॉट द केस. सारे लाइव सेशंस के पहले आप लोगों की अटेंडेंस हो रही है. जैसे ही आप लॉग इन होते हैं आपकी अटेंडेंस ली जाती है, पहले 10 मिनट में इंटरमिटेंटली एंड एट द ड्यूरिंग द एग्जिट ऑफ आवर मीटिंग. हर समय में आपको अटेंडेंस मार्क की जाती है हमारे एंड से. जैसे देखा गया कि पहले सेशन में भी 6-7 लोग नहीं थे और अभी भी दूसरे सेशन में भी कुछ लोग नहीं हैं, तो इन सबके जो मैडम सेकंड में. हाँ जी, आज हमारा लेट हुआ था मैडम, जो आपने नाम लिखे थे उसमें. ठीक है ठीक है, आपने उसका रिप्लाई दिया है मुझे. और दो मैडम लोग जो हिमाचल प्रदेश से हैं, उनके भी कॉल आ चुके कि उनके यहाँ पे नेटवर्क इशू है ड्यू टू हेवी स्नोफॉल एंड एवरीथिंग. तो ऐसे सिचुएशन को मैं कंसिडर कर सकती हूँ. बट जो अननेसेसरीली लाइव सेशंस को मिस कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको एंड में पता चलेंगे. आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, बट दिस इज वार्निंग यू कैन से, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपका जो हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स है उसमें मैटर करेंगे. एंड वी ऑल आर इनफ मच्योर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. अभी अपन फेस टू फेस नहीं पढ़ रहे हैं, मैं एकेकाला बघू शकत नहीं. ही तुमची ड्यूटी आहे, इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपके घर में आई थी क्या कि चलो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम करना है करके? आपने विलिंगली पार्टिसिपेट किया है इस सारी चीज़ों में, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर सेशन को टाइमली अटेंड करना है. ठीक है, कनेक्टिविटी इश्यूज आ सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड,
सब जगह पे सारी सिचुएशन सेम नहीं होगी, पर एटलीस्ट आप लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि आप मुझे एक फोन कॉल या तो मैसेज करके बताएं कि मैडम मैं आज ज्वाइन नहीं हो सकत, या तो मैं लेट ज्वाइन होऊंगा, या तो जो कुछ भी रीजन होगा। एक बार अटेंडेंस में अपसेंटी मार्क हो गई, यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है। आर यू गेटिंग? जब फेस टू फेस लेक्चर्स लेने के लिए, तो फेस टू फेस जब आपका कोर्स रहता है तब आपका मस्टर मेंटेन होता है, तो वो मस्टर में मैंने आपके नाम मेरे हाथ से लिखे और आपकी अटेंडेंस मैं मार्क कर रही हूँ मस्टर में, तो वो मस्टर में जो 6 लोग अपसेंट थे उनकी अपसेंटी मार्क हुई है, एंड वंस इट इज मेंशन्ड इन द मस्टर दैट कैन नॉट बी चेंज। आर यू गेटिंग? जो मूडल में आप सुबह अटेंडेंस मार्क करते हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस हो गई है, लेकिन एक्चुअल अटेंडेंस जो मैं आपकी मार्क कर रही हूँ लाइव सेशन के वक्त मस्टर में, कॉलेज के मस्टर में, वो आपकी एक्चुअल अटेंडेंस रहेगी। तो अभी 2 वीक हो गए हैं, इतना प्रॉब्लम मुझे अभी ये 2 वीक में नहीं दिखा क्योंकि दोनों बैचेस कंबाइन थी, वो बहुत बल्क अमाउंट दिखता था, 60+ लोग प्रेजेंट थे, लेकिन अभी भी मुझे पकड़ के 29 मंजे 28 पार्टिसिपेंट अभी प्रेजेंट है आउट ऑफ 33। इतने लोग अपसेंट है आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं, और ये जो अपसेंटीज है आपकी इरेगुलरिटी है, और कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मूडल पे क्विजेस और असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपके ग्रेड पे आ सकता है। देखिए मैंने Day 1 में ही एक्सप्लेन किया था, जो कुछ भी आप लोग करेंगे पूरे 1 महीने तक उसी हिसाब से आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। मेरे हाथ में ग्रेड्स का कुछ भी नहीं है, जो आपने ऑनलाइन क्विज सबमिट कर रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, उसके मार्क्स पूरे ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। इफ़ यू गेट सी ग्रेड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मेरा उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखूंगी वेदर A+, A, B और C, बट ये ग्रेड कितना मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये पूरे आप पे डिपेंड करते हैं। अभी मैं आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, भारती जामरा मैडम है आपके बैच में, सुबह के सेशन में वो थे, अभी के सेशन में नहीं है, मैंने उनको सर्च किया तो मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं। किसी के फ्रेंड होंगे तो आप मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। कल के डेट में कल तक अपन ने अभी तक 10 क्विजेस लिए हैं मूडल में, अलग अलग रिसोर्स पर्सन के लेक्चर के बाद टोटल वी हैव फिनिश्ड विथ 10 क्विजेस। वो 10 में से भारती जामरा मैडम ने सिर्फ 4 क्विजेस दिए हैं और 6 में कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, नाइदर 0 मार्क्स नथिंग। तो मूडल के ग्रेड शीट में सिंपल डैश आई है, मतलब उन्होंने वो क्विज देखा भी नहीं है अब तक। तो ऐसी चीजें आप लोग अगर लाइटली लेते हैं तो आपके साथ भी होगी आगे जाके। तो और 2 वीक बाकी है इस वीक को पकड़ के, तो बी अटेंटिव, बी सिंसियर और विलिंगली सारी चीजें करिए। और एक सर है बैरागी सर करके, किसी के फ्रेंड, अभी भी वो अब्सेंट है, वाई ही इज टेकिंग इट लाइटली आई डोंट नो, किसी के फ्रेंड होंगे तो आप मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। बैरागी सर है जिन्होंने सिर्फ क्विज नंबर 2 जो था पहले दिन का, बस वही क्विज सॉल्व किया है, रेस्ट ऑफ द क्विजेज आर नॉट येट ओपन्ड। सॉल्व तो वेगळीच गोष्ट आहे, त्यांनी ओपन पण नाही केले आहे, म्हणजे टोटल 9 क्विजमध्ये त्यांची अब्सेंटी लागली आहे। अभी आप लोग ही इमेजिन कर सकते हैं कि इस हिसाब से उनको कितने ग्रेड्स मिलेंगे। अगर ऐसे लिस्ट में आपका कहीं नाम आता है तो आपको भी कितने ग्रेड्स मिलेंगे आप अपने तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स आए त्यांनी एकदम व्यवस्थित सॉल्व किया है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले हैं, और कम मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी चीज़ें अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो सभी को सारी चीज़ें पहले से आती है, या तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 out of 10 ही मिलने चाहिए, 4-5 में आला तरी खूप आहे, पण ॲटलीस्ट सॉल्व तर करा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? बोलो आप, सिर्फ सुन के फायदा नहीं होगा। Yes, sir. अभी आप ही लोग बताइए, भारती जामरा मैडम और बैरागी जो सर है उन जैसी सिचुएशन आपके साथ आनी चाहिए? नहीं नहीं मैम। देखो मैंने पहले संडे, फर्स्ट संडे जो था उसी वक्त भी मैंने पूरा 8 दिन का ओपन किया था, बरोबर है? और आज का जो संडे गेला आपला लास्ट संडे,
त्या दिवशी पण मी पहिल्या दिवसापासून सगळं ओपन करून ठेवलं होतं मूडल साइट मध्ये. यस ऑर नो? तो फिर इन लोगों ने क्विजेस सॉल्व नहीं किए, इनका कारण क्या हो सकता है? आर यू गेटिंग? 23 तारीख पासन काल पर्यंतच्या संडे किंवा परवा पर्यंत सगळ्या गोष्टी ओपन होत्या. तो इन लोगों ने जो क्विजेस सॉल्व नहीं किए है उसके लिए क्या रीजन हो सकता है? 15 दिन तो नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना. ये देखो, ये आपकी फाइल है जो मैं रोज मेंटेन करती हूँ. एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. इसमें आपका पूरा ग्रेड शीट है, क्विज में कितने मार्क्स मिले हैं, क्या मिले हैं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. तो मुझे ये कहना है कि आपकी अटेंडेंस, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सिर्फ सुबह 10:30 बजे अटेंडेंस मार्क करना एंड देन कहीं पे तो भी चले जाना. 6-6 लोग अब्सेंट रहेंगे बैच में तो कोर्स कैसे चलेगा? पहले ही 7 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया. टोटल आपके बैच में अभी 33 पार्टिसिपेंट्स है आउट ऑफ 40, जो 40 की बैच अपन ले रहे थे. अगर इन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया रहता तो जो नीडी पीपल है अपन उनको अकोमोडेट कर सकते थे ना. तुम्ही लोक लहान नाही आहे, सगळे सर मॅडम मॅक्सिमम तर माझ्यापेक्षा मोठेच असतील. अगर ये 7 लोगों ने पहले ही बताया रहता कि हम लोग नहीं आने वाले तो और कोई नए 7 लोगों का फायदा हुआ रहता. आई थिंक वेटिंग वरती खूप सारे जण आहे ज्यांचं प्लेसमेंट बाकी आहे, तो उनके प्लेसमेंट के लिए ये कोर्स हो सकता था ना. अभी 7 सीट्स वैकेंट है अपने कोर्स में भी, और आपकी जो साइमल्टेनियस बैच चल रही है FIP 1 उसमें भी 7 सीट्स बाकी है. मतलब टोटल कितने लोगों का लॉस किया अपन ने? 14 लोगों का, जिनका प्लेसमेंट ड्यू था हमने उनको वेटिंग पे रखा था कि सर सीट्स वैकेंट होती है तो हम आपको बुलाएंगे. लेकिन अभी आज अगर मुझे कोई पार्टिसिपेंट बोल रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ, तो अभी अपन किसी को अकोमोडेट कर सकते हैं क्या 2 वीक के बाद? No. नहीं. आप देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने 3 लोगों को आज रिमूव किया अपने ग्रुप में से. मतलब उन्होंने मुझे, मैंने फोन करके पूछा कि आप लोग क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, देन दे आर टेलिंग मी कि वी डोंट वांट टू कंटिन्यू. उन्होंने खुद होके बताया. आपको आपके तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती कि आपने खुद होके चीजें शेयर करनी चाहिए? इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HRDC नागपुर कि हम आप लोगों को फोन करके पूछ रहे हैं कि वेदर यू आर कंटिन्यूइंग और नॉट. आर यू गेटिंग आवर डिफिकल्टी? एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपन ने 7 लोगों का नुकसान किया जिनका प्लेसमेंट ड्यू है अभी. उन लोगों का तो वेस्ट हो गया ना, जो प्लेसमेंट के लिए ये कोर्स वो कर सकते थे. 7 लोग इजीली अकोमोडेट हो सकते थे अपने यहाँ पे. तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी. और अटेंडेंस क्यों इतने अब्सेंट रह रहे? कल भी अगर ये सिचुएशन आती है देन आई विल कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज अब्सेंटीज. अगर जो अब्सेंट मुझे कल भी दिखते हैं सेम पीपल, जो 6-7 नाम मैंने ग्रुप में डाले हैं, वो कल भी अगर अब्सेंट दिखते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कल भी कल से मैं कैंसिल कर दूंगी. देखो फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के इश्यू है, पता था ये ऑनलाइन कोर्स है. गाइडलाइंस जब आपके साथ शेयर हुई थी उसी वक्त आपको वहाँ पे एक नोट में लिख के दिया था कि इतना डेटा आपके पास होना चाहिए, दीज ऑल आर द मैंडेटरी थिंग्स. एक दिन एक लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आता है आई कैन अंडरस्टैंड, बट कंटिन्यूअस डे बाय डे अगर आप अब्सेंट रहते हो दिस इज नॉट आई कैन, मतलब जैसे ये कुछ एडजस्ट करने वाली चीज नहीं है ना. अगर हो सकता है तो ही कोर्स ज्वाइन करना, अदरवाइज ये कोर्स होने के बाद भी आप लोग फ्यूचर में भी याद रखिए. बिकॉज एज अ कोऑर्डिनेटर रोज मुझे नई लिस्ट बनानी पड़ रही है. आपको मेरी डिफिकल्टी समझ में आ रही है? रोज एक एक जन उसमें से गायब हो रहा है. तो फाइनल लिस्ट कब बनेगी और सर्टिफिकेट्स प्रिंटिंग के लिए कब जाएंगे? समझ में आ रहा है आपको? सर्टिफिकेट्स आपको लास्ट डे तक आपके फाइनलाइज होने चाहिए ना, कि अगले साल सर्टिफिकेट पोस्ट करेंगे. रोज इतने चेंजेस आते रहेंगे तो आप लोगों को भी सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं मिलेंगे. तो हमारे जो ऑफिशियल्स है उनके पास फाइनल लिस्ट तो बननी चाहिए ना. अभी फाइनल लिस्ट में से आज 3 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल किया, मतलब फिर से लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा. सो लाइटली मत लीजिए. सभी लोग अभी अपन इनफ मच्योर है कि ये डिफिकल्टी समझ सकते. सारे टीचर्स है, आपके स्टूडेंट्स ने आपके साथ ऐसे किया तो आप लोगों को भी दिक्कतें होती होगी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट अटेंडेंस के तरफ ध्यान दीजिए. जो मैंने 2 नाम लिए उनको छोड़ के बाकी सब लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. सबने अच्छे से क्विजेस और सारे क्विजेस सबने सॉल्व किए हैं एक्सेप्ट दीज 2 पार्टिसिपेंट्स.
जामरा मैडम और बैरागी सर को छोड़ के बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे क्विजेस के ग्रेड्स मेरे पास आ गए हैं और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कितने मार्क्स मिल रहे हैं दैट इज नॉट एन इशू, आप सॉल्व कर रहे हैं यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सगळे सॉफ्टवेअर्स आपण पहिल्यांदा शिकतोय किंवा कोणाला येतही असतील, बट सभी के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। मार्क्स कमी मिळाले तरी काही फरक नाही पडणार आहे, पण ॲटलीस्ट तुम्ही सॉल्व करा। आर यू गेटिंग? यस मैम। ओके, अभी आप लोगों ने सेमिनार के टॉपिक सबमिट किए हैं, सब लोगों के आ गए हैं 33 पार्टिसिपेंट्स के। आपके सेमिनार्स रहेंगे 19 तारीख से। किसका सेमिनार कब रहेगा वो मैं आज टाइम टेबल आज या तो एक दो दिन में टाइम टेबल लगा दूंगी, बट आप लोग ध्यान में रखिए 20th का तो संडे है, 19, 21 और 22 दिसंबर, ये 3 दिन आपके सेमिनार्स रहेंगे। उस दिन कोई भी लाइव सेशन नहीं रहेगा, मतलब अपना 18 तारीख तक ही लाइव सेशंस रहेंगे रिसोर्स पर्सन वाले। 19, 21 और 22 तुमचे सेमिनार्स रहतील, और 23 तारीख अपना लास्ट डे रहेगा जिसमें सिर्फ फाइनल एग्जाम रहेगी और वैलिडिक्टरी फंक्शन रहेगा। आर यू गेटिंग? सेमिनार का प्रिपरेशन आपको 18 तारीख तक करके रखना है। जो भी टॉपिक्स आपने सबमिट किए हैं, कुछ टॉपिक में चेंज होगा तो मुझे करेक्टेड टॉपिक भेजिए, ग्रुप में मत भेजिए, पर्सनल पे भेजिए, सो दैट मुझे वो जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि मतलब कितना टाइम मिलेगा ऐसा कुछ है? 8 मिनट का सेमिनार रहेगा, अभी ऑनलाइन चीजें हैं तो वो 10 मिनट भी हो सकता है। और सेमिनार कैसे देना है वो समझ लीजिए पहले। जैसे मैं अभी रिसोर्स पर्सन को एज अ प्रेजेंटर के राइट्स देती हूँ, लाइकवाइज फॉर एग्जाम्पल आता मला इथे आम्रपाली मॅडम दिसतात आहे, आम्रपाली मॅडम को मैं अगर प्रेजेंटर बनाती हूँ अगर उनका सेमिनार है तो उनके डैशबोर्ड पे या तो स्क्रीन पे दिखेगा शेयर ऑप्शन, तो वो शेयर से वो उनका प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे उनके लैपटॉप से, मतलब आप लोग अपने तरफ से शेयर करोगे, ठीक है। और इवैल्यूएटर को भी लिंक जाएगी, तो इवैल्यूएटर और मैं एज अ इवैल्यूएटर करके हम दोनों और रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सब लोग मिलके मैडम का सेमिनार सुनेंगे, ठीक है। 10 मिनट सेमिनार को प्रेजेंट करने में देंगे और 5-10 मिनट अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते तो वो रहेंगे, ठीक है। उसके पहले फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपको एक गूगल फॉर्म दूंगी जिस प्रेजेंटेशन रेडी हो गए हैं आप लोगों के कि अभी बाकी है, थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी, ठीक है। देखो अभी 15 तारीख तक, 15th of December तक आपको प्रेजेंटेशन रेडी कर लीजिए, ठीक है। 15th को आप मैं फॉर्म भेजूंगी गूगल फॉर्म, उसमें प्रेजेंटेशन आप अपलोड करके मेरे पास भेजेंगे। आर यू गेटिंग? 15th तक आपको प्रेजेंटेशन पूरे बना के रखने हैं। 15th को मैं गूगल फॉर्म भेजूंगी जिसमें आपको वो पीपीटी की जो फाइल है वो अपलोड करना है, या तो अटैच फाइल करके वो मेरे पास आनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी सभी के पास लैपटॉप होगा जरूरी नहीं है, सभी के पास कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी वो भी जरूरी नहीं है, तो अगर कुछ टाइम पे प्रॉब्लम आता है तो मैं मेरे तरफ से आपका प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी और आप सिर्फ उधर से डिलीवर करोगे। आर यू गेटिंग? पहले के बैच में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि उनके तरफ से शेयरिंग का ऑप्शन प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने मेरे तरफ से प्रेजेंटेशन को अपलोड किया था और पार्टिसिपेंट ने सिर्फ वर्बली बोला था और एक्सप्लेन किया था, तो सेफर साइड मेरे पास भी एक कॉपी उसकी होनी चाहिए। तो 15 तारीख तक सबका प्रेजेंटेशन मेरे पास आना चाहिए। प्रेजेंटेशन राहतील कधी कधी 19th, 21st और 22nd। टाइमिंग रिमेन सेम, 10:30 से 12:30 और 12:30 से 2 में ही रहेंगे प्रेजेंटेशन। किसका कब रहेगा वो मैं 2-3 दिन में टाइम टेबल डिस्प्ले कर देंगे अपन, ठीक है। 19, 21 और 22 ला तुमचे सेमिनार्स राहतील, 15 तारखेपर्यंत फाइनल पीपीटी मेरे पास आना चाहिए। आप प्रिपरेशन चालू कर दो, 7-8 स्लाइड्स, 8-9 स्लाइड्स असल्या तरी सफिशियंट। भर भर के मैटर नहीं डालना है, पॉइंटर्स के फॉर्म में डालेंगे, समझ में आ रहा है, और एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा करना है।
कल से प्लीज याद रखिए अटेंडेंस, नॉट ओनली इन मूडल साइट बट आपकी लाइव अटेंडेंस भी होती है, वो आपको ध्यान में रखना है. जो अपसेंट होगा कंटिन्यूअस, जर मला अपसेंट दिसले तर मी तुम्हाला न विचारता तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करेल. ठीक है, फिर आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं. अगर कुछ डिफिकल्टी है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे पास आपका मैसेज आना चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदरवाइज मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहोगे. अभी भी 27 ही पार्टिसिपेंट्स है. क्यों 27 है 33 में से मुझे नहीं पता. ठीक है, तो कल से आपको ये ध्यान में रखना है, जो जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे सब चीजों के लिए यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. ग्रेड्स अगर बी मिलते हैं सी मिलते हैं तो भी आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो. अपसेंटी होती है तो भी आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो. अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो भी आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्योंकि आई एम ट्राइंग 100% फ्रॉम माई सेल्फ. मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम है अगर होगा तो वो भी क्लियर कर दीजिए. नो मैम. कोऑर्डिनेटर चेंज करने होंगे वो भी बता दीजिए. नो मैम. नो, फ्रेंकली बताइए, फ्रेंकली बताइए. नो नो. ठीक है, मी तुम्हाला कहना है ये मैं आज इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब 22-23 तारीख आ जाएगी, उस वक्त अपन कुछ कर सकेंगे क्या? अगर ऐसा कोई पार्टिसिपेंट रहता है जिसने 23 दिसंबर तक एक भी क्विज सॉल्व नहीं किया तो उस दिन में बोल के क्या करूं? समझ में आ रहा है? तो अभी हाफ ऑफ द फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम इज ओवर, तो अभी तो भी आप लोग थोड़ा सा सिंसियरली सारी चीजें करिए. मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर डूइंग वेल, मेजॉरिटी से भी 90% पार्टिसिपेंट्स आर डूइंग वेल. कुछ ही लोगों की इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, प्लीज मेरे साथ बात करिए कुछ डिफिकल्टी होगी तो, लेकिन प्लीज बी सिंसियर एंड बी अटेंटिव इन द क्लास. रेस्ट ऑफ द चीजें तो अच्छी चल रही है. आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बात कर सकते हैं. हमें छोटी सी डिफिकल्टी होती है. हाँ बोला. पहिल्यांदा असं झालं की अटेंडन्स लेट मार्क झाली मॅम. कोण काय कोण बोलत आहे? प्रदीप माकडे बोलतो मॅम. ओके ठीक आहे. आज पहिल्यांदा लेट झालं, नाहीतर 10:30 अगोदरच होऊन जायचं. ठीक आज जरा मॅडमच. ठीक आहे सर. देखिए वो मोबाइल वाली अटेंडेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ लाइव सेशन में, क्योंकि रिसोर्स पर्सन आ जाते हैं. हाँ लाइव सेशन में आपको टाइमली ज्वाइन करना है. 5-10 मिनटाचा उशीर में समझू सकते, बट अगर आधा सेशन होने के बाद कोई बंदा ज्वाइन करता है तो तब तक तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी और उसमें अब्सेंट भी मार्क हो जाएगी. समझ में आया? माझे सगळे अटेंडेंस 10:15 अगोदर आहे मॅम. नो प्रॉब्लम. 10:15 किंवा 10:15. ठीक है. मैं मूडल साइट में जो अटेंडेंस आप मार्क करते हो ना 10:30 के पहले, वो अटेंडेंस मैं नहीं देखूंगी. आई विल गो विद द लाइव सेशन. लाइव सेशन के वक्त आपको अटेंटिव रहना है, अटेंडेंस अच्छे से. अटेंडेंस इन द सेंस मैं यहाँ से मस्टर में आपकी अटेंडेंस मार्क करती हूँ. आर यू गेटिंग? यहाँ पे जैसे मुझे अमित शाह, अमोल लोहितकर, आम्रपाली पाटिल हे जे लोक दिसतात हे तुमचे नावं जे आहे पार्टिसिपंट मध्ये, या नावावरनं मी तुमची अटेंडन्स मार्क करते मस्टर मध्ये. समझ में आ रही है चीजें? यहाँ पे जो नाम नहीं रहेगा उसकी अब्सेंटी रहेगी. तो आपको लाइव सेशन में प्रेजेंट रहना कंपलसरी है, और जो नहीं रह सकते हैं वो मुझे आज ही बता दो, मैं आपको रिलीविंग लेटर दे सकती हूँ. कंपलसरी नहीं है कोर्स कंटिन्यू करना. नाही मी आता डिस्कशन साठी व्हिडिओ चालू ठेवा म्हंटल, मी बाकी कोणत्याच लेक्चर मध्ये व्हिडिओ चालू करायला सांगत नाही एक्सेप्ट योगा सेशन्स. थँक्यू मॅडम. ओके. योगा मध्ये पण थिअरॉटिकल सेशन मध्ये मी व्हिडिओ चालू करायला नाही सांगत. जे डेमॉन्स्ट्रेशन वाले असतात उसी में आपण व्हिडिओ चालू करणे के लिए बोलते है, आणि व्हिडिओ चालू केल्यानंतर नेट कनेक्टिव्हिटी मध्ये प्रॉब्लेम्स येतात, इसलिए सिर्फ आपको सुनना ही है, दिखे नहीं तो भी चलता है. ठीक है. और किसी को कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डिस्कशन करना होगा, कुछ मेरे तरफ से प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैडम ये चीजें गलत हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन से नो प्रॉब्लम.
एक एक जन बात करिए। अंकुर सर, मैम एक आपने कल डॉक्यूमेंट शेयर किया था रिगार्डिंग द नेम एंड द कॉलेज नेम एंड दैट करेक्शन, दैट इज फॉर द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट उसमें क्या था, बहुत सारे लोग रैंडमली उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही अपने करेक्शंस सेंड कर रहे थे, तो उसमें क्या है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए सेंड करना है कि जो सर्टिफिकेट बनाने वाले सर है अपने ऑफिस वाले, मैं नहीं, ऑफिस के जो लोग है जो सर्टिफिकेट टाइपिंग और प्रिंटिंग का काम करते हैं वो भी अपने ग्रुप में है, तो इसीलिए जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड करेक्शन है वो ग्रुप में ही करेंगे, वो पर्सनल पे नहीं करना है। तिथे एक असिस्टंट स्पेलिंग चुकलेलं आहे मॅडम, सांगायचं जे पण काही छोट्या मोठ्या गोष्टी असतील सगळ्या सांगायच्या, नोट केलाय ते। येस येस येस, अजय कुंभारे सर सर्टिफिकेट टाइपिंग कर रहे हैं तो वो सारे करेक्शन एंड में हो जाते हैं, सर्टिफिकेट करेक्टेड वाला ही मिलेगा, डोंट वरी। एक मिनट नंबर 1 2 3 4 5 शिवाजी साइंस तो कॉलेज हमारा श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी अमरावती साइंस कॉलेज कांग्रेस नगर थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, तो अमरावती जो वर्ड है वो छूट गया था। हाँ काय म्हणत होते हाँ, जो भी करेक्शंस है सर अभी मत बताइए मुझे, सर एक मिनट यहाँ पे मत बताइए, आई डोंट हैव लिस्ट विथ मी, जो भी करेक्शन है आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाली ठीक है, आता माझे जवळ ती लिस्ट नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है तो मैडम? यस मैम। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो मैडम, मागच्या आठवड्यामध्ये मी जेव्हा जॉईन होत होतो तेव्हा माझे नावासमोर HRDC येत होत, तर लक्षात येत होत। हा हा, आता विजय विलास गजघाटे सर बोलता ना? हो मॅडम। हा हा हा, काही प्रॉब्लेम नाही, इसीलिए अपने मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे या तो कुछ दूसरा नाम दिख रहा होगा, तो आप अपना नाम वहां पे करेक्ट करिए, सो दैट अटेंडेंस के वक्त मुझे बराबर अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए। और कुछ तो भी केलेला आहे करेक्ट? यस यस। सबको डेट समझ में आ गई? दिस इज नॉट अ डिफिकल्टी, यस आई जस्ट वो सजेशन। यस मैम, yesterday and today we had only the theoretical sessions of yoga. I would like to request you to give 10 to 15 minutes from 8 to 8:15 for the you know for general, because we will lose the practice in between. Madam, kal se practice, just a request is possible? Yes yes, kal se practice hai aapki, bas ye do din hi wo madam okay. ko nahi jam raha tha madam, 19 isliye 19, 21 और 22 को योगा रहेगा कि नहीं रहेगा? वो पूरा 92 से हम 23 तक कीजिए ना, थोड़ा एडजस्ट हो सकता है तो योगा मॉर्निंग सेशन 23 तक ही है मैडम योगा, डोंट वरी मैम। शैल आई लीव? आई नीड टू गो। यस यस यस, जिनको डिफिकल्टीज नहीं है दे कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू मैम, मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्लीज उसको ध्यान में रखिए और अपन कल मिलेंगे सुबह 8 बजे ठीक है। कल जो योगा के इंस्ट्रक्टर आने वाले, एक मिनट कल जो योगा के इंस्ट्रक्टर आने वाले हैं शी इज फ्रॉम दुबई ठीक है, सर वो हिंदी में तो बात करेंगे बट अगर कुछ प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज में तो यू कैन कम्युनिकेट विथ हर इन एनी ऑफ द 3 लैंग्वेज, बट बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में ही वो बोलेंगे, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे अपने साथ दुबई से ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और आगे से आप लोग प्लीज सिंसियरली सारी चीजें करिए ठीक है। सो गुड डे मैडम, रिसोर्स पर्सन। थैंक यू मैम। ओके रिसोर्स पर्सन सर काय म्हटलं मला ऐकू नाही आलं। रिसोर्स पर्सन चा टाइम टेबल म्हणजे नेक्स्ट वीक चे या नाही सर, जो या ये सेकंड वीक चा मी अपलोड केला आहे मूडल साइट मध्ये, नेक्स्ट वीक चा अजून अपलोड नाही केलाय। ते पाहिलं पण त्यातले बरेचसे चेंज होताना दिसत, हा दॅट्स व्हाय, कारण की काही पार्टिसिप काही रिसोर्स पर्सनला वेळेवरती काही प्रॉब्लेम्स येतात त्याच्यामुळे आम्हाला टाइम टेबल
शफल करावा लागतं. दॅट वॉज टेंटेटिव्ह वन. जो तुम्हाला दिलेला आहे तो टेंटेटिव्ह आहे, त्याच्यामध्ये चेंजेस येऊ शकतात. ठीक आहे, ओके. तर बंद करायचं आता. ठीक आहे, चला, गुड डे, बाय बाय. सेम टू यू मॅम. बाय मॅम.